पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ है पुरुषों में जो उत्तम है। तो इस संसार में अनेक पुरुष हैं जो कि मृत होते हैं, लेकिन एक प्रभु पुरुष है जिनको सभी देवता और सभी पुरुष जिनकी आराधना करते हैं, उनका नाम है कृष्ण, और उन्हीं को पुरुषोत्तम कहते हैं, जो पुरुषों में उत्तम है। और योग यानी उन पुरुषोत्तम से जुड़ने का तरीका योग कहलाता है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं। कैसे? योग शब्द का अर्थ है जुड़ना। दो योग दो तो बनेगा चार, पांच योग पांच तो बनेगा दस। तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग से योगा आ गया। योगा शब्द का अर्थ भी था अष्टांग योगा, यानी आठ प्रकार से भगवान से कैसे जुड़ा जाए, उसे अष्टांग योग कहते थे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इस प्रकार से अष्ट अंग थे, जिसमें यम नियम यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, और आसन, आसन तो सभी को मालूम ही है, इतने सारे वज्रासन, पद्मासन हम सुनते ही रहते हैं, जिसमें मैं बैठा हूं इसको आसन को क्या कहते हैं, पद्मासन। और अगर हम अपने पैरों को फोल्ड करके बैठे तो वज्रासन हो गया, चक्रासन, मयूरासन, बड़े सारे आसन है। तो यम नियम आसन और प्रत्याहार यानी अपने आहार को कम करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना जमा करना है, प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान करना। फिर धारणा, जब मेडिटेशन स्ट्रांग बन जाती है तो वो धारणा बन जाती है, कहते हैं तुम्हारी धारणा बन गई है कि स्वयंभू मोहन प्रभु जो है वो ऐसे हैं, ये तुम्हारी धारणा बन गई है, लेकिन असलियत में वो ऐसे है नहीं। जब तुम किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देते हो तो क्या बन जाती है, धारणा बन जाती है ना। हमारे जैसे भारत के प्रति धारणा है कि भारत अच्छा देश नहीं है और लोग अब विदेश जाना चाहते हैं, तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि विदेश में माहौल तो अच्छा है, साफ सुथरी सड़कें हैं, लोग बड़े ही संवेदनशील हैं दूसरों को लेकर के, बड़ी केयरिंग एटीट्यूड है उनका, लेकिन वहां पर एक चीज नहीं है और वो है भारतीय लोगों का जो जो भगवान के प्रति समर्पण है वो वहां नहीं है। वहां पर चर्च भी खाली पड़े हुए हैं, और जिसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बना है वो चर्च में ही बना है। तो चर्च था अभी अभी दो साल पहले खरीद कर उसको इस्कॉन मंदिर बनाया गया है, तो चर्च में लोग आते ही नहीं है। मंदिर में एक संडे संडे आते हैं कहने के लिए कि हमने जो भी पाप किए हों उनके लिए हमें क्षमा करो, कन्फेशन बॉक्स में कहते हैं। फिर फादर कहते हैं कि ओके, जीसस क्राइस्ट सूली पर चढ़े तुम्हारे पापों का उद्धार करने के लिए, तो अब तुम पाप मत करो। तो मान जाते हैं कि ठीक है अब हम पाप नहीं करेंगे, सोमवार को फिर पुनः पाप करते हैं। तो यम नियम आसन भी इसी प्रकार का है। इस संसार में कुछ तो पाप होते हैं और कुछ पुण्य होते हैं। पाप करते हैं तो कष्ट भोगने पड़ते हैं, पुण्य करते हैं तो सुख भोगने को मिलते हैं, है ना। तो ये पाप पुण्य दो अलग वस्तु है, लेकिन संसार में पाप को काटना तो क्या करना पड़ता है, बोले पाप को अगर काटना है तो पश्चाताप कर लो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई घृणित पाप कर दिया तो उस पाप से छुटकारा पाने का तरीका पश्चाताप, अटोनमेंट्स कहलाते हैं अंग्रेजी में ना, अटोनमेंट्स या पिनेंसेस। पश्चाताप कर लो तो वो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन पुण्य को काटने का तरीका, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन कारक है। पाप करेंगे और पुण्य करेंगे तो दोनों ही बंधन कारक है। पाप से भी गिरना पड़ता है संसार में और पुण्य से भी गिरना पड़ता है। इसी को भगवान ने 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुण कहकर के समझाया कि तीन गुणों तक जब तक बंधे रहोगे तब तक तुम्हारा इस संसार में आना जाना चलता रहेगा। तो उस आने जाने को काटने का तरीका है पुरुषोत्तम योग। इसको अगर समझ लिए तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा पाप करें या पुण्य करें। कई बार लोग बोलते हैं ना, देखो मंदिर नहीं जाते जी, मंदिर नहीं जाते ना, बस माला नहीं जपते, यही तो प्रॉब्लम है, वरना अच्छे हम हैं, इस संसार में किसी का बुरा नहीं करते, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, तो हम हमें हमें भगवत धाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा। हमने जी दवाइयां दी, हमने गरीबों को खाना खिलाया, हमने विद्या दान दिया, हमने हमने गरीब बच्चों को उत्थान किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन भगवत धाम नहीं मिलेगा।
क्योंकि पुण्य तो कटे नहीं ना, पुण्य तो बहुत हो गए, अधिक हो गए। अब पुण्य पाकर कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु स्वर्ग में तो आनंद होगा, कृष्ण कह रहे नहीं, क्षीण पुण्यम मृत्यु लोकम विश्रांति, फिर वापस गिरना पड़ेगा। तो क्या करें? तो वो प्रकृति के तीन गुणों में फंसा हुआ अर्जुन, अर्जुन तो फंसे नहीं थे, लेकिन अर्जुन ऐसा दिखावा कर रहे हैं ताकि हमको वह शिक्षा मिले। तो अर्जुन जब प्रश्न पूछे प्रकृति के तीन गुणों में, तो भगवान बोले ऐसे नहीं समझेंगे इनको, आप वह योग बताना पड़ेगा जिससे ये मुझसे जुड़ सके। यानी अर्जुन को नहीं जोड़ना चाह रहे हैं, हमको ही जोड़ना चाह रहे हैं। ओ प्रकृति के तीन गुणों में बंधे हुए इंसान, अगर तुझे मुझसे जोड़ना है तो पढ़ ले क्या पुरुषोत्तम योग। तब भगवान ने पुरुषोत्तम योग प्रारंभ किया। प्रारंभ करते ही भगवान ने प्रथम श्लोक में ही कहा, क्या कहा? श्री भगवान वाच। क्या कहा? अच्छा, गीता किसने बोली, कृष्ण ने बोली या भगवान ने बोली? किसने बोली गीता? नहीं तो आप मान रहे हो ना भगवान श्री कृष्ण। अब कई लोग तो शिव जी को भगवान मानते हैं, अभी गणपति उत्सव चल रहा था, अब नव दुर्गे में नौ दुर्गों को भगवान मान रहे कि नहीं मान रहे? है कि नहीं? दुर्गा माई, गणपति बाबा, सब भगवान मानते हैं। अरे तो सब एक दूसरे को भगवान मानते हैं कि नहीं? तो अगर भगवान कृष्ण है तो इस गीता का नाम भगवत गीता ना होकर के क्या होना चाहिए था? कृष्ण गीता। इसका नाम क्या होना चाहिए था? भाई कृष्ण ने बोली, गीत मतलब गाना, कृष्ण के द्वारा गाया गया गाना क्या कहलाएगा? कृष्ण गीता। भागवत पुराण का नाम क्या होना चाहिए? कृष्ण पुराण। जब वराह भगवान के बारे में वर्णन है तो वराह पुराण, शिव के बारे में वर्णन है तो शिव पुराण, विष्णु के बारे में वर्णन है तो विष्णु पुराण। तो भागवत में भागवत पुराण क्यों हो गया? कृष्ण नाम है तो कृष्ण पुराण। लेकिन वेद व्यास जी ने हर जगह समझदारी दिखाई, जहां जहां कृष्ण आए वहां वहां पर कृष्ण पुराण ना कहकर, कृष्ण गीता ना कहकर क्या कहा? भगवत गीता, भागवत पुराण। और यहां पर भी कृष्ण उवाच ना कहकर क्या कहा? श्री, ताकि आने वाले कलयुग में लोग समझें भगवान ही कृष्ण है और कृष्ण ही। उस पुरुषोत्तम योग में प्रथम श्लोक में ही वर्णन कर रहे हैं, भगवान ने तीन गुणों की रस्सी काटने के लिए प्रारंभ किया। पहली चर्चा ही प्रारंभ हुई है तीन गुणों की रस्सी कैसे काटी जाए। पिछले श्लोक में भी बताया, चौदहवें अध्याय के अंदर भी बताया, माम यो भिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समित्य ही ब्रह्म भूयाई कल्पते। जो मेरी सेवा करते हैं वह इन तीनों गुणों को पार करके मेरे धाम को आते हैं। जो मेरी माम यो अभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योगेन सेवते, भगवान भक्ति योग बता चुके थे लेकिन फिर भी अर्जुन क्या कहते हैं आखिरी श्लोक में? कहते हैं हाँ, मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय लेना चाहता, निराकार ब्रह्म में जाना चाहता। भगवान कह रहे मैं ही उस निराकार का मैं ही आश्रय हूं जिसको तुम पूज रहे हो। तो भगवान ने फिर कहा कि भक्ति योग से बात नहीं पढ़नी है, अब कौन सा योग बताना पड़ेगा? शुरू करते ही भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदं स वेदवितः। भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की ओर जड़े हैं, अधो शाखम और शाखा नीचे की ओर है। ऊपर क्या है? जड़ है। और नीचे क्या है? संसार में पेड़ कैसा होता है? नीचे जड़, ऊपर पेड़, ऊपर शाखाएं होती। लेकिन यहां क्या है? भगवान ने शुरू किससे किया? जगह में डांटते तो क्या कहते हैं? अरे उल्टी बात कर रहे हैं, समझो ना, उल्टी बात करते हो। तो जब उन्होंने तीन गुणों का संग लिया, निराकार ब्रह्म की चर्चा करी, तुरंत भगवान ने कहा भक्ति योग है ना सेवते, भक्ति योग से तुम तीन गुणों को पार कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो, जिसे तुम समझ रहे हो ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम, उसकी मूल तो उल्टी है, जो वैदिक वृक्ष है वो तो उल्टा है। कैसे उल्टा है? कि ऊपर की ओर जड़े हैं और नीचे की ओर शाखाएं हैं। प्राहुर अव्ययम, और ये शाश्वत कहा गया है। छंदम सी यस्य परणानी, और इसके जो पत्ते हैं वो क्या है? छंद, वैदिक स्त्रोत्र है, छंद है। वेद वितह, और जो इस वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता है।
वेदवित, वेदवित का मतलब होता है वेदों को जानने वाला, जो इन इसके पत्तों को जान गया, जो इस पेड़ को जान गया, वो वेदवित हो गया। अब लोग जब तक ये नहीं समझेंगे, जो कह रहे निराकार है ऊपर वाला है ना, और वो बहुत बड़ा है, विशाल है, तब तक हम वेदवित नहीं हो सकते। हमें कैसे समझना पड़ेगा, भगवान के इस बड़े ब्रह्मांड के अंदर एक लेयर है जिसको विरजा नदी कहते हैं या करुणदक सागर कहते हैं, उसके ऊपर जो जगत है वो कितना है, त्रिपद मूलम, और नीचे जो जगत भौतिक संसार वो कितना है, एक पद मूलम। एक पद मूलम का मतलब क्या है, एक चौथाई, और त्रिपद मूलम का मतलब है तीन चौथाई, थ्री फोर्थ। तो जैसे पृथ्वी में जल कितना है, तो 1/4 इज लैंड एंड 3/4 इज वॉटर, तीन चौथाई जैसे जल है और एक चौथाई स्थल है। ऐसे ही इस पूरे असंख्य ब्रह्मांड में, केवल इसकी बात नहीं हो रही है, इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में हमें एक पृथ्वी दिख रही है जिसमें हम बैठे हैं, और इसमें एक चंद्रमा दिख रहा है, एक सूरज दिख रहा है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य चंद्रमा, असंख्य सूरज है, और ये सब किसमें काउंट होते हैं, भौतिक संसार में, जो कि आध्यात्मिक संसार का एक पद मूलम है, उसकी कंपैरिजन में 1/4 इतना बड़ा हुआ है। और वहां जो वैदिक वृक्ष है वो उसकी जड़ नीचे है और उसके तने ऊपर है, परंतु जब इस संसार में उसकी परछाई आती है, ब्रह्म सत्यम जगत, लोग बोलते हैं मिथ्या है, लेकिन मिथ्या नहीं है। अगर सच्चाई है पेड़, तो उसकी शैडो भी सच्चाई है। जब तक पेड़ रहेगा तब तक उसकी परछाई भी रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पेड़ है और परछाई नहीं दिख रही है। लोग बोलते हैं ब्रह्म सत्य, पेड़ तो सत्य है लेकिन परछाई मिथ्या है। मिथ्या कैसे है, सदा सदा विराजमान रहेगी, जब तक पेड़ है तब तक परछाई रहेगी। तो ऊपर का ब्रह्मांड हमेशा रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन उसकी परछाई हमेशा रहेगी कि नहीं रहेगी, हमेशा रहेगी जब तक पेड़ रहेगा। कभी ऐसा हो सकता है कि परछाई ना आए, जब तक पेड़ है, एक पेड़ खड़ा है नदी के किनारे, उसकी परछाई कब तक रहेगी, जब तक। और ऊपर का पेड़ कैसा है, ये तो सबने कहा ब्रह्म सत्य है, तो उसका मतलब परछाई भी हमेशा सत्य है, हमेशा रहेगी। लेकिन फर्क क्या है, पेड़ के अंदर डिटेलिंग होती है, पेड़ के अंदर डिटेलिंग होती है, पेड़ होता है उसमें ऐसे चिड़िया के रहने का घोंसला होता है, बीच में छिद्र होते हैं, उसके ताल ऊपर कवरिंग होती है, उसकी शाखाएं होती हैं, उसमें कपोलें होती हैं, लेकिन जब पेड़ की परछाई पड़ती है तो काला काला दिखाई देता है, उसमें डिटेलिंग नहीं दिखती है, पर पत्ते भी नहीं दिखेंगे, कितने फ्रूट भी नहीं दिखेंगे, बस काला काला दिखेगा। तो वैसा जो ऊपर का जगत है वो इतना सुंदर है, लेकिन उसकी जो परछाई है वो काली काली है, ये जो है ना, ये हमें दिख रहा है मिक्स्ड सा। वहां जो प्रेम है वो यहाँ काम है, वहां जो प्रेम है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो यहाँ कैसा है, स्त्री पुरुष का काम है। यहाँ जितने विवाह हो रहे हैं, जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी संसारी जीव है, किस पर आधारित है, शारीरिक कामनाओं के आधार पर आधारित। वो तो प्रेम है और ये क्या है, काम है, उसका विपरीत लक्षण है। उस शाश्वत वृक्ष का एक परछाई है, परिकल्पना है, इस तरह से यहां पर कैसा दिखता है, हमें सब कुछ मटमैला दिखता है, गंदा गंदा दिखता है। वहां जो स्पर्धा की भावना है चंद्रावली और राधा रानी के अंदर, वो यहां पर कंपटीशन की है, वो भी कौन सा, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटने वाला कंपटीशन। वहां पर अगर कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया तो बाकी जितने लोग थे ग्वाल बाल, वह सब प्रशंसा करने लगे कृष्ण की, आ हा 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 हा, कृष्ण तुमने अद्भुत अद्भुत लीला कर दी, कृष्ण तुम्हारी लीलाएं तो अद्भुत है। लेकिन यहां पर अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़े तो क्या सारे लोग उनकी उनका गुणगान गाते हैं, उनकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, ए बड़ा बन रहा है नहीं, क्योंकि वहां जो है उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन, उसी की विकृत छाया यहां संसार में। इसलिए कृष्ण भगवान जब इस संसार में आए, इसलिए भगवान के अवतार को क्या कहा जाता है, अनुग्रह अवतार। क्या कहते हैं, अनुग्रह का क्या मतलब है, कृपा। भगवान का अवतार कृपावश हुआ है, भौतिक संसार में निराकार निराकार करने वाले लोगों को बुद्धि देने के लिए, देख साकार प्रभु आए, लीला करी उन भगवान ने, तब जाकर के हमारे जैसे जो इस संसार के वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग जो हैं, या फिर तार्किक बुद्धि वाले जो लोग हैं, वह जब कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा कृष्ण अनुग्रह अवतार है।
इसलिए भगवान ने गीता में कहा परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो पहले क्या कहा, साधु के लिए आया हूं, विनाशाय च दुष्कृतम बाद का काम है। भगवान कंस के लिए नहीं आए, लेकिन हम जब टीवी सीरियल देखते हैं या हम कोई बच्चों को सिखाते हैं स्टोरी तो क्या कहते हैं, कृष्ण का आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कंस का जब आतिताई कार्य हुआ तब भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो ब्रह्मा, मैं इस कंस का वध करने के लिए आने वाला हूं। देवताओं ने भी कहा कि देवकी का 8वां पुत्र कंस के वध का कारण होगा। जब रावण जैसे असुर बढ़ गए तो फिर भगवान राम को आना पड़ा। रामलीलाएं चल रही हैं सब जगह इस काल में कि राम किस लिए आए थे, किसके लिए आए थे, रावण के लिए आए। रावण के लिए नहीं आए भगवान तो अपनी ब्रकुटी टेढ़ी करते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, तो क्या रावण को मारने के लिए भगवान राम को आना पड़ेगा। भगवान तो जा रहे हैं वनवास, क्या दशरथ के कहने पर वनवास जा रहे हैं, दशरथ के कहने पर जा रहे हैं। भगवान राम ने पहले केकई को आकर के अपने साक्षात चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि केकई माता तुमसे एक सेवा है। बोले क्या सेवा है, बोले अब मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी मति भ्रमित करके तुम्हें कहूंगा तुम दशरथ महाराज से 2 वरदान मांगो, और जब तुम 2 वरदान मांगने की बात करोगी तो दशरथ महाराज के प्राण निकल जाएंगे, तो ऐसी अवस्था में मुझे वन को और जाना है। क्यों जाना है पुत्र, बोले असली मेरा कारण जो जन्म क्यों हुआ है, वहां देखो सुतीक्ष्ण बैठे हैं, भारद्वाज ऋषि बैठे हैं, शबरी बैठी है, उनके लिए मुझे वन में जाना। वन नहीं जाऊंगा तो कैसे मैं अपने अपने जो भक्तगण है केवट बैठे हैं, निषाद राज बैठे हैं, कैसे उनका उद्धार करूंगा, जटायु बैठे इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे भगवान राम। तो इसलिए मां तुम्हारी ये सेवा है। केके घबरा के बोले प्रभु कैसी सेवा लगा रहे हो, ये सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो भगवान राम ने देवताओं को कह दिया भाई तुमने कैसा कैंडिडेट दिया है, ये तो मना कर दिया सेवा करने। जब हम सेवा से मना करते भगवान को बहुत बुरा लगता है, कहते बताओ सेवा से मना कर दिया, एपोलॉजीज लिख देते, एपोलॉजीज, अरे एपोलॉजीज हमें तो चल जाएगी, उनको चलेगी एपोलॉजीज। सेवा के लिए एजिटेशन नहीं होना चाहिए। कौन सी सेवा, भगवान जब सेवा देंगे तो उसमें कोई एजिटेशन हुआ तो यानी आपने सेवा का भाव ही नहीं। राम खुद कह रहे, कृष्ण ने आए युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर कह दो झूठ, नर नहीं है हाथी है, कह दो अश्वत्थामा हताहते। तो बोले लेकिन ये बताना तो पड़ेगा ना कि नर कौन है हाथी कौन है, ये तो झूठ नहीं हो गया कि हमने बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया तो हाथी तो मरा है पुत्र तो नहीं मरा द्रोणाचार्य। बोले हमने जितना कह दिया उतना ही सत्य है, आगे ना जोड़ना है ना घटाना है, तुम ज्यादा सत्यवादी बनोगे तो यहीं रह जाओ, मैंने पहले ही बताया जो पुण्य पुण्य करते हैं यहीं रह जाते हैं। बोलते हैं प्रभु जी माला करना तो ठीक है, थोड़ा सा पुण्य भी कर लेते हैं ना प्रभु जी, दया भाव भी होना चाहिए ना, तुम रखो और रहो इस संसार में। कृष्ण जो कह रहे हैं बस वो इस वाक्य को पकड़ लो, उसके आगे पीछे किया रह जाओ। युधिष्ठिर रह गए। जब 1 फुट हाइट हवा में उनका रथ चलता था, जैसे उन्होंने कहा अश्वत्थामा हताहते, भगवान कृष्ण बोले अभी मानेगा तो है नहीं, शंख जोर से बजाया तो पीछे से कहते नरोवा कुंज रोवा, तो तुरंत जैसे बोला धरती पे आकर अटक गया उनका रथ। युधिष्ठिर धक्का लगा झटका, ये क्या हुआ, मेरा तो रथ हमेशा ऊपर रहता था, नाम क्या है, धर्मराज। बोले मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। बोले कृष्ण कहते हैं जितना मैंने कह दिया उतना ही सत्य, आगे पीछे ना सुफिक्स लगाना है ना प्रीफिक्स लगाना है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, लगाते हैं, वहीं वो फंस जाते हैं। हमारे फंसने का कारण है जितना कृष्ण कह दिया उतना ही मानना है। तो धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम, धर्म उतना ही है जितना भगवान ने, राम ने जो कह दिया कि कई को तुरंत मानना चाहिए, ये संशय नहीं आना चाहिए था कि विपरीत सेवा के लिए हाँ करे कि ना करे, जो कह दिया बोला कूद जाओ, भगवान कहे कूद जाओ तो बचाने वाले भी तो वही है, नहीं कूद सकते हो, अगर तुम्हें लग रहा है मैं कूद गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसका मतलब तुम भगवान पर भरोसा नहीं कर रहे, तुम्हारा भरोसा कच्चा है कि नहीं। तो इस प्रकार से राम जी ने उनको बोला, और जब नहीं माने तो देवता गए, देवताओं ने केकई माता से प्रार्थना करी, बोले क्या माई एक सेवा आई भगवान की वो भी रिजेक्ट कर दी, प्रार्थना करते तुमसे मान जाओ हमारी बात, एक 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 हमारी सेवा कर दो। केकई बोले ठीक है आप लोग इतना कहते हैं तो मैं तैयार भगवान राम की सेवा की। तब जाकर के उनकी मति में सरस्वती माता उनके जिब्वा पर बैठी और फिर जाकर के उनकी मति को पलित का, तब उन्होंने जाकर कुब्जा के कहे अनुसार उस मंथरा के कहे अनुसार ये सारी चीजें मान ली और दशरथ से 2 वरदान मांगे। लोग केकई से नफरत करने लग गए,
यहां तक कि भरत महाराज को नहीं मालूम पड़ा, जो कि स्वयं भगवान के चतुर्भुज विष्णु के अंश हैं, उनको नहीं मालूम पड़ रहा है कि केकई माता की लीला का हिस्सा है कि वे जो है इसने मेरे भाई को राम को मुझसे अलग किया, उनको नहीं मालूम। कृष्ण की लीलाएं गुहितम लीलाएं हैं, इनको केवल और केवल गुरुजन आचार्य बता सकते हैं, भगवान के अंश भी कल समझ नहीं पाते। कभी कभी कृष्ण कुछ ऐसी लीला करते हैं बलराम ही नहीं समझ पा रहे, तो साक्षात भगवान कृष्ण बलराम में कोई फर्क नहीं है। अब सोचो जीव गोस्वामी पाद और हमारे सनातन गोस्वामी पाद विष्णुचवी ठाकुर कितने ऊंचे स्तर के होंगे जिन्होंने हमको उसके कारण बता दिए, लेकिन घर में बैठे बैठे लोग संस्कृत श्लोक पढ़कर के कहते हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ कैसे आएगा जब तक तुम किसी वैष्णव की शरण ग्रहण अगर अपनी बुद्धि से समझ सकते तो बलराम ही ना समझ लेते, ब्रह्मा नहीं समझ लेते, चतुर्भुज चतुर्मुख वाले शिव नहीं समझ लेते, तुम उनसे बड़े हो क्या? आचार्य हो तुम, मतलब बलराम और नीक परंपरा से शिक्षा ले रहे हैं। हाँ शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ये एडिशनल ज्ञान दे रही है। गोस्वामीगण जो है मंजरीय जो है, ये है ना, कपिल भगवान अगर देवूति माता के गर्भ से आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता, उन्होंने देवूति को ज्ञान दिया है। अगर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी परंपरा में हिस्से हो गए तो ये नहीं कहेंगे ब्रह्मा जी की परंपरा में तो ब्रह्मा जी ज्ञानी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें यह समझ में आया कि ऊपर एक वृक्ष है, उस वृक्ष की क्या है, छाया है, और वो कैसी है, बिगड़ी हुई छाया है। अब इस वृक्ष को काटने के लिए क्या कहते हैं, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्धश्चौर्धवम् प्रसतो प्रस्थस्य शाखा, गुणा प्रवर्धा विषय प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, कर्मानुबंधानि मनुष्यलोके। अब जो ये पेड़ है, जैसे पेड़ को जल से पोषित करते हैं, इस संसार के पेड़ को कैसे पोषित करते हैं, क्या डालते हैं इसमें ऐसी चीज जिससे पोषण मिलता है इसको, जो हमारे हम जो इसके अंदर अटक गए हैं, इस वृक्ष के अंदर उल्टा पेड़ जो है इसमें जो अटक गए हैं, जन्म भी उल्टा होता है बच्चे का जब सिर नीचे होता है, बताया जाता है कि बेटा तुम जिस संसार में आ रहे हो ना ये उल्टा है, पर उल्टा ही जाओ, उल्टा ही है सब कुछ। तो उसको समझने के लिए इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो इस संसार में क्या क्या चीज पोषित करती है, इस पेड़ का जल है तीन गुण, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा ये पोषित होता है। जब इसमें ज्यादा रजोगुण डालो, सत्वगुण डालो, तमोगुण डालो, उसी प्रकार का ये फल प्रदान करता है। जैसा जल वैसा जैसा जल, तो जल डालोगे सत्वगुण का तो सत्वगुण फल, रजोगुण का फल डाल जल डालोगे तो रजोगुणी फल, तमोगुण का जल डालोगे तो तमोगुणी फल। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, सत्वगुण हो रजोगुण हो तमोगुण हो, तीनों ही बंधन कारक। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं तो सत्वगुणी जीवन जीता हूं, आदमी कहते ना अरे वो वाले प्रभु जी कितने सात्विक है ना, स्टिल ही इज इन बॉन्डेज। वो वाले देखिए माता जी कितनी सत्वगुण में रहती है ना, वो माता जी आई थी उनका ऑरा एकदम सत्वगुणी है ना, बंधन में है। तो तीनों गुणों से परे व्यक्ति का क्या लक्षण होगा, कैसे पता करेंगे तीनों गुणों से परे है? एक माता जी ने बोले तीनों गुणों में तीनों पर, हर परिस्थिति में संभाव रहे, एक गुण माता जी ने बताया है हर परिस्थिति में संभाव रहे। हाँ नहीं नहीं, तो तीनों गुणों से परे कैसे पता चलेगा प्रधानता, तो नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये तो आप बता रहे तमोगुण रजोगुण सत्वगुण बता रहे हैं ना, ये कैसे पता चलेगा इस व्यक्ति ने तीनों गुणों को पार कर लिया है, कौन सा लक्षण है? नहीं अब जो मंदिर में रह रहा है उसके तो भोग में नहीं लगे, वासुदेव तो जो उसका लक्षण क्या है वो तो आपने नाम बताया, पता कैसे चलेगा प्रशांत मुकुंददास तीनों गुणों के परे कि तमोगुण में लिप्त एकदम गंदे आदमी एक दिन, जो आज परिस्थिति में न्यूट्रल रहे वो बता दिया माता जी ने, न्यूट्रल वाला संभव, जिनकी कोई अभिलाषा नहीं रह जाती बहुत अच्छी बात है, तीनों ताप के होते हुए विचलित नहीं होता।
वस्तुनिष्ठ, जो कृष्ण की भक्ति करेगा। ये सब तो आप अच्छे भक्तों के गुण बता रहे हैं, लेकिन तीनों गुणों से परे है कृष्ण भक्त। सोचती न कांक्षती का क्या मतलब है? सोचती मतलब क्या है? सोचती मतलब सोचना नहीं है ना, सोचती सोचता नहीं है, कह रहा सोचता नहीं हूं मैं किसी बात के लिए। सोचती न कांक्षती, ना किसी चीज के लिए रोता है, ना किसी चीज की कामना करता। लेकिन असलियत में ये सब तो अच्छे भक्तों के गुण है, 26 गुण आपने सब बता दिए, सब आप अच्छे भक्त हैं तो। लेकिन तीनों गुणों से परे व्यक्ति जो होगा वो हमेशा ऐसा लक्षण प्रकट करेगा जैसा श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट करते हैं, जैसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट करते हैं, जैसा श्री तुलसीदास जी प्रकट करते हैं, जैसा श्रील सूरदास जी प्रकट करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दिन मैं गिरूंगा इस संसार से, जब मेरा तिरोभाव होगा और मैं संसार को छोड़कर जाऊंगा, तो मुझे नरक ही मिलना है, इसमें तो निश्चित है। मुझे क्या मिलना है? नरक ही मिलना है तो निश्चित है, तुलसीदास कहते हैं। परंतु दिक्कत में ये सोच सोच कर रोता हूं, आंसू टपकते हैं, ये प्रभु प्रेम में नहीं है। मैं सोचता हूं मेरे शरीर में मेरे कर्मों से इतनी दुर्गंध आएगी कि नरक वालों ने इतनी दुर्गंध कभी सहन नहीं करी होगी, कहेंगे अरे आज इतनी दुर्गंध क्यों है? बोले यार तुलसीदास आया है ना नरक में, इसलिए दुर्गंध। ये लिख रहे हैं विनय पत्रिका के अंदर कि जब मैं प्रवेश करूंगा संसार को छोड़ के, तो लोग दुर्गंध से नरक के वासियों का कितना कष्ट। ये तीनों गुणों से परे होते हैं लक्षण। जो व्यक्ति गारंटी लगा के बैठा है कि हम तो गोलोक ही जा रहे हैं प्रभु जी हरि नाम करके, कई लोग तो पूछते हैं प्रभु जी व्रत वगैरह करेंगे, प्रभुपाद जी ने बोला है तो हम तो जा ही रहे ना प्रभु जी भगवत धाम, तो जा ही रहे प्रभु जी। कुछ ने तो और पकड़ा हुआ है, बोले प्रभु जी प्रभुपाद जी से किसी ने कहा हम ये नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा 100% नहीं कर सकते हो तो 90% करो, 90% नहीं कर सकते हो तो 80% करो, 80% नहीं कर सकते हो तो 70% करो, कम से कम इतना तो करो, 70% तो करो। तो लोग बोलते हैं बैकडोर की चाबी है, बैकडोर की एंट्री है, हम लोग तो प्रभुपाद जी के चरण पकड़ लिए हैं, विभीषण के पीछे 4 असुर आए थे, उन्होंने विभीषण को पकड़ लिया था, शुद्ध भक्त को पकड़ लो तो हम तो पार हो जाएंगे। अच्छा है, ये भावना अच्छी है, ऐसे प्रभुपाद जी कृपा करके ले भी जा सकते हैं, लेकिन हम तीनों गुणों में बंधे हुए ही जा रहे हैं, मुक्त होकर नहीं जा रहे हैं। तीनों गुणों से परे व्यक्ति का लक्षण है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मोसामा पतिता प्रभु न पाई बेहार। मेरे से ज्यादा पतित कोई व्यक्ति, अब ऐसा बहुत लोग बोलते हैं हमारे समाज में, मैं पतित हूं। काम पतित वाला नहीं करते हैं, काम उग्र वाला ही करते हैं। बोलने से पतित नहीं होता, अगर बोलने से होता तो कोई बात नहीं, कोई भी कह लेता, लेकिन बोलने से पतित नहीं होता। कैसे होता है? काम से, डीलिंग से। मोसमा पतिता प्रभु ना पाई बे यार, मेरे ऐसा और कोई नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मुझे अगर आप प्रभु, वैसे तो मेरे को अनेक जन्म मिलेंगे, अगली बार जन्म दो ना तो कहां देना, मुझे कीट जन्म देना, कीड़े का जन्म देना। कौन सा कीड़ा देना? मल का कीड़ा बनाना। भक्ति विनोद ठाकुर 100 ग्रंथ लिखने वाले आचार्य, भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरकार में, जिनके लिए गाड़ियां, जिनके लिए पटरी गिरी, वो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मुझे कीड़े का जन्म देना, कौन सा? मल का कीड़ा बनाना। लेकिन किसके घर का बनाना? भक्त के मल का कीड़ा बनाना, ताकि कम से कम उसके शरीर के मल को तो खा सकूं। है भक्तों के प्रति ऐसा भाव? हम तो जो आसपास है उन्हीं को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं शुद्ध भक्त की, सर्च में लगे हुए हैं। वही सर्च में लगा रहेगा शुद्ध भक्त की जिसके अंदर कोई खुद कोई गुण नहीं होगा, है ना? ग्रंथों के प्रति जिनकी शरणागति नहीं, भगवान के प्रति शरणागति नहीं, भक्तों के प्रति शरणागति नहीं, आप कौन सा शुद्ध भक्त ढूंढ रहे हो? कभी नहीं मिलेगा आपको। तुलसी महारानी शुद्ध भक्त नहीं है आपके घर में, भगवत गीता शुद्ध भक्त नहीं है, श्रीमद् भागवत शुद्ध भक्त नहीं है, फिर क्यों आप शरणागति नहीं है? इधर उधर ढूंढ रहे हैं, शुद्ध भक्त की तलाश कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं भक्तों की, उनका कहा नहीं मान रहे हैं। हम तो उनको फॉलो करते हैं। करते रहो आप, इसी संसार में ये चक्कर इसी चलता रहेगा। भक्त भी है, भगवान भी, भक्तों की वाणी है ना। भागवत क्या है? वो भक्तमाल है, उसमें उद्धव जी का संवाद है, उसमें विदुर जी का संवाद है,
मैत्री मुनि का संवाद है, युधिष्ठिर नारद का संवाद है, सुत गोस्वामी का संवाद है, परीक्षित सुखदेव का संवाद है, ये क्या है? इनमें कौन भगवान है? भगवान की बात ही कहां हुई है पूरे में? भक्तों की तो है, भागवत भक्तों का ग्रंथ है, भगवान के ऊपर भक्तों की कैसे, भक्तों पर भगवान की अनुग्रहता कैसी है, इसका कृपा करिए। हाँ वो तो है, वो तो है। भगवान ने कहा जितने भक्त हैं वो कहाँ रहते हैं? मेरे हृदय में। हाँ तो फिर क्या हो गया? भगवान भी हैं, भगवान के अंदर जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया वो प्रभुपाद जी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान की जो तात्पर्य टीकाएं हैं वो शुद्ध भक्त का संग है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये मानव समाज के हमारे तीन गुण ही पोषण करते हैं और उन्हीं में हम बंध जाते हैं। आगे भगवान कृष्ण ने कहा न रूपमस्य ततो उपलभ्यते नानंतो न चर्दनी च समप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सविरोढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गित्वम् यस्मिन् गताम् न निवर्तति भूय तमेव चाध्यं पुरुषं प्रपद्ये यता प्रवर्तिं प्रसता पुराणी। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे किसी योग इस जगह की खोज करो। वास्को डी गामा ने खोजा लेकिन क्या पाया? भगवान कह रहे खोजना है तो ऐसी जगह की खोज करो जिस स्थान पर जाकर के तुम्हें वापस ना आना पड़े। यस्मिन गता न निर्वर्तति भूया, निवर्तंती का मतलब क्या होता है? दोबारा नहीं आना। तो ऐसी जगह खोजो जहां पर जाने के बाद तुम्हें वापस नहीं आना पड़े। इसलिए अर्जुन तीन गुणों से बाहर निकलो, ये संसार में मत फंसो कि सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, पिताजी खड़े हैं, लोग परिवार से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, केवल और केवल उसको क्या कर सकते हैं, कैसे इसका छिंदन किया जा सकता है? शास्त्र के अनुसार असंग शस्त्रेण विरक्ति के हथियार से, केवल और केवल विरक्ति के हथियार से इस आसक्ति को काटा। किसी कटेगी विरक्ति? चाहिए किसी को विरक्ति की बात? हम कोई और टीचर ढूंढ लेते हैं जहां पर विरक्ति के अलावा भोग की बात हो। तो माता जी लोग आज ड्रेस कोड है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सारी माता साड़ी पहन के फोटो आ रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ग्रीन कलर, केक पार्टी हो रही है, माता जी आप तो अच्छा बना लेती है ना वो क्या अपना मंचूरियन, आप केक, आप वड़ा पाओ सब मिला के क्या करें हमारे डिवोटीज का पॉटलक। अनफॉर्चुनेट है ये डिवोटीज के बीच में होना, अनफॉर्चुनेट है। लोगों को लगता है नहीं नहीं अब थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, रहो प्रैक्टिकल, रहो संसार में ना, मत पढ़ो तुलसीदास को, मत पढ़ो सूरदास को, मत पढ़ो सनातन गोस्वामी को, मत पढ़ो गीता को, क्या लिखा है भगवान ने, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, केवल केवल विरक्ति की हथियार से इसको काटा जा सकता है। कब काटेंगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना प्रभु, अभी तो जीना बरसों। अरे कब टाइम निकल जाएगा? ये तो कहते हैं यह जीवन कागज की पुड़िया। कैसा जीवन है? कागज की पुड़िया। देखिए उसमें जब होम्योपैथी वाले दवाई डालकर देते हैं कभी कभी मुंह में डालो तो इधर गिर जाती साइड में। ये जीवन कागज की पुड़िया, फूक लगे उड़ जाएगी, ऐसे उड़ जाएगा मालूम नहीं पड़ता। कितने हजारों लोग चले गए, नौ भी मरी है, दसवीं मरी है शस्त्र 88,000 ऋषि मर गए। सोनक ऋषि थे, मिले सोनक ऋषि से कभी आप? जब सुत गोस्वामी ने भागवत सुनाया 88,000 ऋषियों को, कहां है वो ऋषि, कहां गए? मिले किसी से? नौ भी मरी है, नौ के नौ ग्रह मर गए, दस दिशाएं मर गई, नौ भी मरी, दस भी मरी है शस्त्र 88,000 ऋषि मर गए, अब कहां, कौन से प्रैक्टिकल की बात कर रहे? समय बहुत कम है, केवल केवल विरक्ति के हथियार से इसको आज नहीं तो कल काटना ही है। जितनी देर करोगे उतनी जड़ें और अंदर जाती चली जाएंगी, अंदर जाती चली जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो कैसे पता करें कि हमारी जड़ें, अर्जुन के मन में प्रश्न है
कैसे पता करें कि हम भक्त बन गए कि हमारी जड़ें फटी हुई हैं अंदर? कैसे पता करें कि हमने काट दिया है? है ना, पता चलता है ना, पेड़ को जब काटते हैं तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, गिरने वाला रहता है, पता अभी गिरा 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 बस गिर गया, बहुत जोर जोर से जब उसके ऊपर हथौड़े चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, एक्स ब्लेड चलाओ, तो आधा पेड़ कटने के बाद तो टेढ़ा हो जाता है, वो गिरने लगा। कैसे पता करें? तो भगवान ने कहा ऐसे पता करो, ये लक्षण है पताने के लिए तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी है संसार में। निर्माण मोहा जित संग दोष अध्यात्म नित्यम विनिवर्त काम द्वंदे भगाई। द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ां पदमावयं तः। तो क्या लक्षण बताया? पहला है जो झूठी प्रतिष्ठा। कौन सी प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा तो होती है, लेकिन उसके साथ में भगवान ने एक चीज और बोली है, क्या है? प्रतिष्ठा झूठी होती है। इस संसार में आज तक किसी को प्रतिष्ठा सच्ची मिली ही नहीं है, क्योंकि जो प्रतिष्ठा के कामी हैं उनको प्रतिष्ठा मिलती नहीं है, और जिनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए होती है उनके पीछे प्रतिष्ठा भागती है, इसलिए आज तक प्रतिष्ठा किसी को मिली नहीं, प्रतिष्ठा झूठी है। जब लोग आपका ज्यादा गुण गाएं, समझ लो क्या कर रहे हैं, झूठी प्रतिष्ठा, दिस फॉल्स ग्लोरिफिकेशन, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड नोबडी लव्स एनीवन। इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। परिवार वाले तब तक बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हैं जब तक आप उनका सहयोग कर रहे हैं, जिस दिन आप उनसे सहयोग नहीं करेंगे वो आप ही की निंदा करेंगे। इस संसार में आप किसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी सेवा कर रहे तब तक आपका नाम हो रहा है। आज मैं 45 साल का हो गया, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, प्रवचन सब दुनिया सुन रही है, मैं 60 का भी होऊंगा एक दिन, और उससे पहले भी शरीर छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये जीवन कागज की पुड़ी है। कितने लोग बाद में स्मरण करेंगे? कितने लोग करेंगे? करेगा कोई? 2-4-10 लोग होंगे जो बहुत गहरा प्रेम करते होंगे, फोटो डाल देंगे घर में अपने, साइड में धूल खाता रहूंगा, कुछ एक आधा किताब लिखी होंगी या प्रवचन होंगे, वो कभी ढूंढते फिरते किसी को मिल जाएंगे। कौन याद करता है किसी को? बड़े बड़े आचार्यों को आज आज बताइए, कितने भक्त हैं जिनके घर में विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर का फोटोग्राफ है? कितने लोग हैं जिनके घर नरोत्तम दास ठाकुर का फोटोग्राफ, सूरदास का फोटोग्राफ, मीरा भाई का फोटो कहाँ है? क्या याद कर रहा है? हमारा कोई कोई याद नहीं करेगा। लेकिन बस ये है कि इस संसार के पाप और पुण्य को अगर काटना चाहते हो, क्योंकि पाप भी बंधन कारक है और पुण्य भी बंधन, ये कटेगा तो केवल एक ही अस्त्र से, और वो है हरि नाम। हरि नाम के सहारे इस अस्त्र से काटा जा सकता, अन्यथा इस संसार में कोई भी चीज, कोई व्रत, कोई परिक्रमा इसको काटने वाली नहीं। कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार। कलयुग में भगवान ने किस रूप में अवतार लिया? आप अगर विग्रह की आरती करते रहो, घुमाते रहो अगरबत्तियां, नाम के प्रेमी नहीं हो, नाम का जो प्रचार करते हैं। अभी मैं सुन रहा था एक प्रवचन, उसमें उन्होंने बोला, बड़ी अच्छी बात बोली, कि वो लोग को ऊपर बहुत भारी दोष होता है जो हरि नाम का आनंद स्वयं लेते हैं लेकिन उसको बांटते। तो हरि नाम लेना तो है ही है, लेकिन साथ में उसका वितरण भी। मान लो आपको मैंने प्रसाद में मैंगो दिया, अल्फांसो, आपने छील करके खा लिया, बढ़िया मजे से प्रभु जी ने दिया है, उसमें ज्यादा खुशी है या उसके छोटे छोटे पीस काटकर जितने भक्त सब में बांटकर खाएं? क्या कैसे करना चाहिए? बांटकर खाना चाहिए। बोले मिल बांटे खाए वैकुंठे जाए, अकेला खाए यहीं रह जाए। तो आप यहीं रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं वैकुंठ, तो हरि नाम भी कैसे बांटकर खाना चाहिए? मिल बांटकर खाना चाहिए। कितने लोगों को बांटा है आपने हरि नाम? कितने लोगों को आपने गीता दी है? कितने लोगों को आपने भागवत दिया है? हम तो सेवल, हरे कृष्ण, कितने लोगों को दिया हमने? नहीं दिया ना संसार, तो वह देना है। तो हम किसमें फंसे हुए हैं? झूठी, बुरा मान जाएंगे फैमिली के लोग, प्रभु जी ऐसा हम कर नहीं सकते, फैमिली बुरा मान जाएगी। अगर फैमिली बुरा ही मान रही है आपके भगवत प्राप्ति के लिए, तो फैमिली थोड़ी है, फैमिली है वो। जो फैमिली बुरा ही मान गई आपकी भगवत प्राप्ति के, वो फैमिली है। तो मैं ये नहीं कहता हूं मैं इसका
सपोर्टर नहीं हूं कि आप फैमिली का त्याग करें, लेकिन मानसिक रूप से उनका त्याग कर देना ही अच्छा। तो पहला है झूठी प्रतिष्ठा, दूसरा मोह, मोह अटैचमेंट, मोह, मोह बहुत खतरनाक चीज है। मोह का धागा का गाना भी आ गया ना, मोह मोह के धागे, मोमो है कि मोमो है, मोमो तो खाने की एक चीज होती है, हाँ मोह मोह है ना, मोह मोह के धागे, क्या कांटे से भी ना काटे जाए, कैसे है मुझे मालूम नहीं है, मोह मोह के धागे आगे क्या है, क्या है मोह मोह के धागे, उंगलियों से ना काटे जाए, जो भी है। तो ये मोह के धागे कटने वाले, जितना इन मोह के धागों में अटके रहोगे तेरी उंगलियों से जा, हाँ मतलब देखो वहां पे वो डिप्रेशन में ही है, वो भी डिप्रेशन में कि मेरे मुंह के धागे तेरी उलझी उलझ गए तेरी उंगली में जाकर के। स्त्री कोई कह रहा है, कोई स्त्री कह रही है, पुरुष कह रहा है, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं उलझे हुए हैं। तो इनका निकलना असंग शस्त्रेण दृढ़े न छित्वा, केवल और केवल विरक्ति की, वरना उलझे रहेंगे। देख लो भौतिक संसार में भी ज्ञान दिया जा रहा है। तो झूठी प्रतिष्ठा और मोह और कुसंगति, कुसंगति तो बहुत ही गंदी है, संगति मिले ना मिले कम से कम कुसंगति से बचना चाहिए, बैड एसोसिएशन है ना, गंदे लोगों का संग जितना करेंगे उसका बहुत बड़ा प्रकोप होता है व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपर। आप दो दिन तीन दिन किसी गंदे लोगों का संग कर लें जो भक्ति नहीं करते हैं, आपका देखिए खुद का भागवत गीता उठाने का, भगवत उठाने का मन बंद हो जाएगा, है ना, आपको लोग गुमराह कर देंगे। लोग हैं ही संसार में भक्तों का संग, इसीलिए तो बताया गया कि भक्तों का संग करो, डिवोटी एसोसिएशन, और डिवोटी एसोसिएशन नहीं कर रहे हैं, घर में हम हैं कितना रहेंगे, घर में कितने काल रहेंगे, एक दिन तो ये घर छोड़कर जाना है, परमानेंट प्लेस नहीं है, है यहाँ तक 88,000 ऋषि चले गए, सूरज चंद्रमा चले जाते हैं, सोमदेव चले जाते हैं, वेद व्यास चले जाते हैं, तो कुछ को नहीं जाना पड़ता, सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा को जाना पड़ रहा है। त्रिप्रमाण झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से जो मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, किसको समझते हैं, तत्व कौन है, कृष्ण, उस तत्व को समझते हैं कि तत्व एक ही है, रामादिशु मूर्ति शुकला नियम तिष्ठन नाना अवतार मकरंद भुवनेशु किंतु कृष्णस्तु भगवन परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि राम जी वरा भगवान नरसिंह जितने भी हैं ये सब किससे आ रहे हैं, रामादिशु मूर्ति शु कला नियम तिष्ठन, कुछ कला अवतार है, भगवान के अंश अवतार है, लेकिन 64 गुणों से संपन्न कृष्ण जो है ठाकुर जी, ये जो है आपके शाश्वत तत्व है। इसको जो समझ गया कृष्ण तत्व को, इसको समझना बहुत जरूरी है, शाश्वत तत्व को समझ, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है और मेटीरियल डिजायर्स, यहाँ पर आध्यात्मिक काम नहीं बोला है, कौन सा काम बोला है, आध्यात्मिक डिजायर हो सकती है लेकिन भौतिक डिजायर्स नहीं होनी चाहिए कि बंगला बनाना है, गाड़ी बनानी है, इस बार एरोप्लेन खरीदना है, इस बार हमको शिप खरीदनी है, तो ऐसा प्लान जो भौतिक इच्छा है, तो वो जिसने नष्ट कर दिया है वो मुक्त है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, और दूसरा सुख और दुख के द्वंद से भी मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहता है, मोह रहित होकर के परम पुरुष के शरणागत होना, किसके शरणागत होना है, कृष्ण परम पुरुष के, ऐसे शाश्वत राज्य को वह धीरे से ही प्राप्त, आराम से उस प्राप्त कर लेगा, अंत में कहां चला जाएगा, पदम अव्यम, अव्यम पद को प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसके लिए कितने सारे लक्षण बता दिए, झूठी प्रतिष्ठा से बचना, मोह से बचना, कुसंगति से बचना, सुख दुख में समान रहना, भौतिक काम को नष्ट करना, मोह रहित होकर भगवान की शरणागति चले जाना। लेकिन ये मिथ्या अहंकार ऐसा करने, आज तो किसी ने मुझसे प्रश्न भी किया, थोड़ा अहंकार तो अच्छा लगता है ना प्रभु जी, कैसा, थोड़ा अहंकार तो होना चाहिए ना, तो लोग उसको कहते हैं स्वाभिमान और अभिमान में भेद करते हैं, बोले अभिमान और स्वाभिमान, अभिमान तो गंदा है लेकिन स्वाभिमान तो होना चाहिए ना, तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान भी सूक्ष्म रूप से अभिमान का ही पुत्र है। आप किस बात का स्वाभिमान रखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण आप स्वाभिमान रखना चाहते हैं, और ऐसा होता है हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, हम चाहे कितने बड़े प्रवचन दें लेकिन जब आती है बात विपरीत थक से ठेस ले जाती। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो हमारे यहाँ भारत में नियम है कि हम मेट्रो में पहले घुसते हैं और सामने वाले का हम सोचते नहीं है,
वो निकले ना निकले लेकिन हमारा घुसना जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ गेट जो है वो 2 मिनट के रुकने के बाद तुरंत बंद हो जाता है, वो दूसरे व्यक्ति का वेट नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर लोग संवेदनशील है, जब तक गेट बंद नहीं होगा जब तक सारे अब सवारियां चढ़ने गए तो वहां नियम है पहले सब निकलेंगे फिर सब चढ़ेंगे, तो इधर से निकलने वाले की लाइन इधर से चढ़ने वालों की। हम रहे भारतीय तो मैं अपना कैमरा लेकर और व्लॉग बनाता हुआ और मैं उसमें प्रवेश कर गया। जैसी मेट्रो रुकी, जैसी मेट्रो अंदर एक व्यक्ति था जो कि ऑस्ट्रेलियन था, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा, मैंने उसको ना धक्का दिया ना मैंने उसको कुछ गंदे भाषा बोली, मैं अपनी राइड से जा रहा हूँ वो अपनी साइड से उतर रहा है, क्या मतलब है? तो सिर्फ उसके वो जो नियम बचपन से सीखे स्कूलों में उनके, वो भंग हुआ और वो कहता है कि ऐसे मेरे को, हे यू। तो मैंने कहा हरे कृष्णा, तो उसने सोचा कोई सेंटली है तो चुप हो गया। पर उसकी वाइफ कहती है ही इज पुशी मैन, और उसकी बच्ची छोटी सी थी 3 साल की, वो भी कहती है पापा ही इज पुशी। तो मैंने कहा क्या पुशी पुशी लगा रखा है लोगों, मैंने किसी को पुश नहीं किया, क्या पुशी पुशी कर रहा था। लेकिन उनका नियम भंग हुआ। अब जब वो पुशी पुशी कर रहे थे तो मेरे मन में क्या हो रही थी, खुशी कहाँ हो रही थी, इरिटेशन। इरिटेशन हो रही है कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं। मैंने उनको कुछ कहा नहीं, ना उन्होंने मुझे कुछ कहा, कोई हमारा संवाद विवाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं विचार करने लगा कि इनके नियम में इतना सा भंग होने पर ये लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। हमारे यहाँ तो बेचारे कितने सहनशील लोग हैं। एक आदमी स्टेशन पर उतरना चाह रहा है और वो पूछता है ओशी वाला कितने बजे आएगा, तो कह रहे कि अरे वो भी आने वाला है ना, तो उतरते क्यों नहीं हो, तुम्हें बताया तो था जब जा रहे थे तब भी तुम पूछ रहे थे, अब ट्रेन उल्टी आ रही है तब भी तुम वही पूछ रहे हो। कह रहा तब भी उतरने की कोशिश कर रहा था, अब भी उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बार उतरता हूँ तो चढ़ने वाले मुझे वापस चढ़ा देते। मुंबई का क्राउड ऐसा है, हैं? मुंबई के लोकल ओशी वहां पर नहीं उतर पाते हैं, तो वो चढ़ गया दोबारा। तो कह रहा 3 बार प्रयास कर चुका उतरना, तो मैं चाह रहा हूं लेकिन उतरने दे नहीं रहे। ये भारतीय लोग हैं हमारे यहाँ पर, तो हमारे सिस्टम्स अलग प्रकार के हैं, बहुत सहनशील लोग हैं, है ना। वहां पर अगर कंप्यूटर ना चले तो सीधा कंपनी को फोन करते हैं और कहते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज फाउंड फॉल्टी, लेट्स टेक इट बैक। तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो उसको ले लेती है और रिप्लेस करती है। 12 साल की वारंटी पीरियड लंबे लंबे हैं, तो 12 साल में कभी भी खराब हो रिटर्न होता है। हमारे यहाँ वैसे ही 1 साल की देते हैं, 6 महीने बाद दुकानदार बात नहीं करता, पर्ची हमारी गुम हो जाती है। हाँ, और फिर हम लैपटॉप को ऑन कर देते हैं और हमें पता होता है कि तुरंत खुलने वाला नहीं है, तो माता जी लोग तड़का लगाने चले जाती हैं, प्रभु जी लोग लंच करने चले जाते हैं, कह रहे लौट के आऊंगा तब तक तो मेरा लैपटॉप खुल ही जाएगा। हमारे यहाँ सहनशीलता सीमा पार है, है ना। इसलिए भारत के लोग यहीं अच्छे हैं, वहां जाना ठीक नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम जाएंगे हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमें तो बड़ा अजीब सा लगता है, है ना। वहां तो लोग बिल्कुल ऐसे एकदम लाइन पे लॉ एंड ऑर्डर में चलते हैं। हमारे यहाँ जब कभी किसी को मदिरा पान किया है नहीं किया टेस्ट करना हो तो मुंह में ऐसे करके लगाते हैं, पूछते हैं आपने मदिरा पान किया है, तो हम लोग चेक कराते हैं, है ना। और एक बार मशीन काम नहीं कर रही थी तो जो हवलदार था उसने कहा साहब मैंने चेक कर लिया है इसने पिया नहीं है। तो ना कह रहा है कैसे पता तुझे, तूने मशीन को सही से चलाया नहीं है। कह रहा नहीं साहब मशीन भी खराब है, ये आदमी को जाने दो। कह रहा मशीन कैसे खराब, इधर ला। और किया कर देख सही चल रही है। कह रहा तुम खामखा कह रहे हो मशीन नहीं चल रही। तो हमारे यहाँ की अलग प्रकार के लोगों का है। वहां पर क्या करते हैं वो पाइप लगाते हैं और पाइप लगा करके चेक करेंगे और फिर उस पाइप को निकाल कर डस्टबिन रखा हुआ रोड के ऊपर, पुलिस ने डस्टबिन में पाइप को डाल रहे हैं, दूसरा पाइप लगा रहे हैं डिस्टिल वाटर से प्यूरिफाई किया हुआ, जिसके मुख में मदिरा चेक करनी है उसको डिस्टिल वाटर का पाइप चेक, प्यूरिफाइड पाइप लगाकर चेक कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सिटीजन की संवेदनशीलता है। हमारे अच्छा है 100-200 करोड़ मर जाते हैं तो बोले बहुत अच्छा है, 30-40 हजार मर गए बहुत अच्छा है, कम हो गई जनसंख्या, मैसेकर आए सुनामी आए आपको फर्क ही नहीं पड़ता। भारत वहां इतने लोग मर जाते हैं, यहाँ के लोग टीवी देखते कहते हाय हाय बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ। किसी को नहीं पता चलता कि तुम्हारा जीवन कब चला जाएगा, तैयारी कर लो।
तैयारी नहीं करते। तो मरते तो वहां भी लोग हैं और मरते यहां भी लोग। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने बोला कि आप उसी देश से आए ना जहां पर मृत्यु का जो दर है, डेथ रेट बहुत हाई है, ज्यादा लोग मरते हैं। हमारे देश में तो इतना सुकून है, इतनी तैयारी है, इतनी हॉस्पिटलाइजेशन है, इतनी मेडिसिन है, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग मरते नहीं है। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, डेथ रेट इज इक्वल एवरीवेयर, हर जगह मृत्यु का दर समान है 100%, जिसने जन्म लिया उसको मरना नहीं चाहिए। तो जब मरना ही है तो उसमें काहे बात की प्रैक्टिकल 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 करता है। तो हम जबरदस्ती के लिए असंख्य संसार के अंदर सर्कल में घूमने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कई बार लोग सोचते हैं, अभी हम लोग गोवर्धन में गए थे वैष्णव महाराज से मिलने, डिवोटीज सब लोग, जिन जिन की दीक्षा होनी है, ब्राह्मण दीक्षा होनी है, सब डिवोटीज को मिलवाने ले गए थे, जिनको नहीं लेनी वो इधर उधर घूम रहे थे सब। तो जब हम वहां पहुंचे तो महाराज जी से बड़ा अच्छा एक प्रश्न हुआ, तो उन्होंने बड़ा सुंदर बताया, बोले ये कोई जरूरी नहीं है। आदमी बोलता है ना, शिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक विशंति होगा तो मनुष्य शरीर ही होगा, इसकी गारंटी थी। 84 लाख योनि में से किसी भी योनि में आ सकते हो। शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, जो बोलते हैं ना पुण्य खत्म करके नीचे गिर जाएगा व्यक्ति, नीचे गिर जाएगा तो संवाद में चर्चा में बात आई, नीचे जो गिरेगा वो मनुष्य नहीं बनेगा, पेड़ पौधा भी बन सकता है, उद्भिज हो सकता है, स्विदज हो सकता है, अंडज हो सकता है, रेप्टाइल बन सकता है, और उसके बाद क्रम विकास करके फिर करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिले। तभी तो मनुष्य शरीर की इंपॉर्टेंस बताई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इतना सुन के भी मनुष्य क्या कर रहा है, चाय पी रहा, कॉफी पी रहा, मस्त पड़ा है, कर अरे फालतू बातें सब सोचना ही नहीं, नेगेटिविटी होती है सोचना ही नहीं है, बी पॉजिटिव। और सुबह हार्ट अटैक आ गया, निकल गया पॉजिटिव, फिर पूछते खून कौन सा, कह रहे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कौन सा खून चढ़ेगा इनको, बी पॉजिटिव। क्या कि तुम्हारी बी पॉजिटिविटी असली पॉजिटिविटी है, तो नो कृष्ण, कृष्ण को जानना ही सच्ची पॉजिटिविटी है। अगर तुमने कृष्ण को नहीं जाना तो ना नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ये सब दिखावी बातें, दिखावटी है। पुष्पताम वाचम, इनको फ्लावरी लैंग्वेज का है, और लोगों को ये पसंद आता है, देखो ना कितना अच्छा बोल रहे हैं ना, ये सुनना चाहिए, वो प्रभु जी आते कितना कड़वा कड़वा बोलते हैं, ये तो कितना अच्छा बोल रहे, मीठा 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 अटकाने के लिए है ना संसार में, कड़वा कड़वा कटवाने के लिए संसार का पेड़ कैसे कटेगा, है ना। बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ये सुन रहे लोग बड़े खुश होते हैं, मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन करे, एक दिन चले जाओगे तो क्या मोटिवेशन करेगा, यमराज को मोटिवेट कर पाओगे मुझे नरक मत ले जाओ, कर पाओगे यमराज को मोटिवेट, come on यमराज once more bounce back करोगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये सब छोड़ो इस संसार को और मेरे लोक का, मेरा लोक कैसा है, ना तद भसाए तो सूर्यो, ना शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामं परमं ममः। मेरे लोक में न सूरज है न चंद्रमा है, तो बताओ जब सूरज चंद्रमा नहीं है तो भगवान के यहां दिन कैसे होता है, और रात्रि लीला निशांत लीला जो होती है, कहते हैं भगवान की नित्य लीला चलती है, रात्रि लीला चलती है, रात में भगवान गए थे निकुंज के अंदर, कैसे लीला चलेगी जब चंद्रमा नहीं है सूरज नहीं, कैसे चलेगी। अच्छा तो प्रकाश तो रात कैसे होगी, प्रकाश बंद करेंगे, एक एक बल्ब बुझाएंगे, बंद करो बंद करो बंद करो, कैसे होती तो वहाँ रात्रि लीला नहीं होती, प्रहर लीला होता है रात्रि लीला। नहीं तो जब 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 गोपियों का रास नृत्य होगा तो कैसे करे, रात में तो हो रहा है, सो जब चंद्रमा आता है, पूर्ण चंद्रमा होता है, शरद पूर्णिमा आएगी, अभी कार्तिक प्रारंभ होगा, 15 दिन ही रह गए हैं, होश में आओ सब लोग उठो, तो रात में कैसे होगा फिर, चंद्रमा नहीं है तो, ना दत्त बताया तो सूर्य, ना शशांक, शशांक चंद्रमा नहीं है तो कैसे करेंगे शरद रात्रि। हम वृंदावन की लीला है तो वो लोग वृंदावन में तो दिखते ऐसे ही होता है, वहां से चंद्रमा सूर्य नहीं है, समय ऐसा समय नहीं है, बंद कर लेते हैं तो रात्रि कैसे लीला होगी, मतलब वो थर्मामीटर टाइप का भगवान लगा रखे,
ऐसे रोशनी तेज आ कष्ट बहुत हीट आ रही कम करो हाँ चुटकी बजा देते हैं अपने लोक में चुटकी बजाएंगे कैसे होगा भगवान के दो नेत्र जो है वो एक सूरज है और एक जब भगवान एक नेत्र खोलते हैं तो दिन होता है एक खोलते हैं तो रात होती है दोनों भी खोलते हैं दोनों खोलते हैं तो दोनों समझ इधर के लिए दवा लोग दिन रखता है इधर वालों को रात लग रही है अनुभव होता है दिन अलग अलग लेकिन ठाकुर जी अपने नेत्रों से उनका मुख पूर्ण चंद्रमा है और उनके शरीर से एफलजेंस निकल रहा है तो अलग अलग लोगों में अलग अलग अनुभव हो रहा है लेकिन जब भगवान ने इस भौम वृंदावन के अंदर भी अपनी रासलीला करनी थी तो क्या किया ब्रह्मा जी का एक दिन भगवान जी ने सारे तारे चंद्रमा को रोक दिया तो बाकी लोगों को क्या हुआ बाकी लोग क्या हो गया भाई इनका तो रुक गया तो जब भगवान रासलीला करके आए तो फिर तो वापस तो तब तक तो नंद बाबा यशोदा सब चले जाने चाहिए संसार से कोई दिखना नहीं चाहिए था क्योंकि ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितनी हो गई 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से इतने साल तक 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी के दिन तक भगवान ने 100 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला करी तो कैसे एनवायरमेंट रुका रहा तो जब भौम वृंदावन में कर सकते हैं तो अपने वहां पर भी रोक देते हैं समय तो वहां पर अपना इस आंख से उजाला इस आंख से अंधेरा जब भी करना रासलीला करनी इस आंख खोल दिया रासलीला हो रही है इस आंख को खोल दिया दिन की लीला गौचरण लीलाएं चल रही है इसी प्रकार कृष्ण लीला करते हैं अब वो हमारे को समझने की कोशिश कर रहे हम अपनी आंखों से ये अचिंत्य है अब चिंतन से समझोगे समझ आएगा हमको कि हम अपनी भौतिक बुद्धि से है ना हम चंद्रमा को देखना चाहें अपनी खिड़की से तो हमें दिखता है कि नहीं चंद्रमा जब करवा चौथ आती है अभी आएगी आ गई कि आनी है आने वाली है तो उसमें वो क्या करते हैं छलनी लेते हैं दिया रखते हैं फिर उसमें चंद्रमा को देखते हैं तो एक चंद्रमा जो कि सूरज से भी ऊपर का लोग बताया गया है वो आपकी छलनी के अंदर आ जाता है कितना छोटा लगता है क्योंकि हम उसको अपनी दृष्टि से देख रहे होते हैं तो हमारी दृष्टि छोटी है तो चंद्रमा हमें छोटा नजर आ रहा है लेकिन चंद्रमा की दृष्टि में जाकर देखेंगे तो फिर पता चलेगा कितना बड़ा चंद्रमा है ऐसे हम कृष्ण को अपनी दृष्टि से देखते हैं लाला है मटकी फोड़ते थे लीला करते थे पूजा किसी करते दुर्गा जी की जब तुम जान रहे हो पर भगवान है तो काय के लिए माई को परेशान कर रहे हो क्यों परेशान कर रहे हो माई को परेशान मत करो माई से सीखो कि माई ने कैसे शरणागति करी जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण ने योग माया को कहा तुम 8 नामों से पूजी जाओगी और माया में बंधे जीव ये संसार में तेरी पूजा करेंगे और मुझको नहीं भजेंगे कौन से जीव माया में फंसे मायस्तेते हता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता जिनकी बुद्धि मारी गई है वो यही पूजा पाठ करते रहेंगे उनसे हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपा जाएगा क्योंकि उनकी बुद्धि कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मारी गई है मायस्तेते हता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता क्या करे प्रभु जी ये तो हमें बताने वाला कोई हुआ ही नहीं अरे जो हुआ है उसकी समझने वाले तुम नहीं हुए अगर हम बता भी रहे तो कितने समझ जाएंगे नहीं समझेंगे जो लोग नहीं जानते हरि नाम को कहेंगे प्रोग्राम तो अच्छा था लेकिन हम तो वही करेंगे जी जो करते आए 30 साल से कर रहे हैं अब चेंज कर दे प्रभु जी दुर्गा माई बुरा नहीं मानेगी बिल्कुल नहीं मानेगी पुष्प डालेगी आपके अंतिम संस्कार में बड़ी प्रसन्न होगी कि चलो कोई तो माया से बाहर निकल के क्या करने लगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ऐसा क्यों कह रहे हैं हमको कि मेरे लोग को आओ तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो ममेव अंशः जीव लोका जीव भूत सनातना मनः सष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करिष्यति मनः सष्टान इंद्रियाणि मन और 5 इंद्रियां मिलकर के कितनी हो गए तो आखिरी इंद्री सबसे ज्यादा खतरनाक है 6ठी इंद्री खतरनाक है कौन सी इंद्री मन भी एक मना सष्टानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि करिष्यति इस प्रकृति में घुमा रही है गोल 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 पीछे उन्होंने गाना बनाया था
मम्मी जी की रोटी गोल गोल गोल, सुना था आपने? बापा जी का पैसा, हाँ, दुनिया ये कैसी, हाँ, अगर निकलना है तो क्या बोल, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, तब ये तुम्हारे गोल गोल चीजें छूटेंगी। ममेव अंशः, तुम मेरे ही अंश हो। भगवान ने कहा इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाती है। जब वायु सुगंधी को ले जाती है, सुगंधी दिखाई देती है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है जैसे वायु में सुगंध होती है। कितने लोगों ने सुगंध को देखा है? देखा है सुगंध को? सुगंधा को तो देखा होगा, लेकिन सुगंध को नहीं देखा होगा। सुगंध का अनुभव होता है, लेकिन सुगंध को देखा नहीं जा सकता। ऐसे भगवान का अनुभव होता है, लेकिन उनको अपनी इन भौतिक चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। तुमने गीता कितनी बार दी? टू। किसको दी? एक मैं एक तू। बस हस्बैंड वाइफ पढ़ रहे हैं गीता, करो देते नहीं। गीता बांटो, जाकर के प्रचार करो, ऐसे जगहों पर जाओ सोचने से जहां आपको घबराहट हो, इसी जगह पर गुरु प्रसन्न होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार हम अपने गुरु महाराज जी के पास गए और महाराज जी को पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि मैं ना भागवत का प्रचार करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? महाराज बोलते अच्छे कामों के लिए पूछना, जब गलत करने जाओ तो उससे पहले आना पूछने के लिए, लेकिन अच्छे कामों के लिए पूछना नहीं चाहिए। यू वॉन्ट टू डू समथिंग गुड, कि मैं प्रभु जी, लोग मैसेज देते हैं प्रभु जी कैन आई गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नीड योर परमिशन। मैं कहता हूं हरे कृष्णा जय हरि बोल, लेकिन गड़बड़ करनी होगी, चीटिंग करनी होगी। पूछते हैं प्रभु जी कैन आई डू चीटिंग, तब लिखते हैं। संसार में हम लोग भुवनेश्वर के जो मंदिर बनाया गौर गोविंद महाराज, वो बोलते थे गौर गोविंद महाराज, जब कोई बोलता था जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, गौर गोविंद महाराज चुप कर, नित्य लीला प्रवेश तेरे लिए, नित्य लीला प्रवेश है, मेरे लिए तो मेरे गुरु आज भी मेरे साथ। जब कोई रोता था ना, आई एम फीलिंग सेपरेशन ऑफ महाराज प्रभुपाद, गौर गोविंद महाराज कहते थे रोना नहीं मेरे आगे, डू नॉट क्राई, डू नॉट क्राई, प्रभुपाद स्टिल हेयर इन अवर टेम्पल्स, प्रभुपाद स्टिल, डू नॉट क्राई। तो आप देखिए कितना हम इम्बैलेंस लोग हैं, हम लोग इमोशनली इमोशनली ड्रामा फंस कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हम लोग, इमोशनली ड्रामा कर रहे, वी आर इमोशनल फूल्स। तो हमें उनके लिए कुछ करना है, वो हैं या आप मान रहे नहीं है, नित्य लीला में है या नैमित्तिक लीला में है, अपने गुरु के लिए कुछ करो, गीता का प्रचार करो, भागवत का प्रचार करो, सेंटर खोलो, प्रीचिंग करो, है ना, आगे बढ़ो। केवल अपना नोट्स बनाया, अपना भजन किया, अपना करा, इससे क्या होगा? मुक्त होंगे? कभी नहीं होंगे। और जो भजन ही नहीं कर रहे वो तो बेचारे कितना भी अच्छा काम कर ले कभी संसार से निकलने वाले नहीं है। आप बोले हम तो बड़े अच्छे आदमी है जी, किसी का बुरा नहीं करते जी, बुरा नहीं करते जी, तो भी आप यही रहने वाले, संसार में कभी मुक्त नहीं होने वाले हैं। भगवान का भजन करने से ही आप इस संसार से निकल सकते हैं, समझ रहे हैं? ये टफ बातें हैं, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं सकते बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है पर सच्चाई है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसम नम घृणमेव च अधिष्ठाय मनुष्याय विषानुपसेवते। दूसरे शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान आंख जीभ नाक इंद्रियां त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के विशेष समुच्चय का भोग करता है। क्या करता है? जो उसको प्राप्त हुए हैं आंख नाक कान, इसका भोग करता है, यूज करता है, इससे निकलता नहीं है और संसार के दलदल में गिरता जाता है। भगवान के भजन से दूर व्यक्ति कैसे संसार से माया से मुक्त होगा? है कोई तरीका? 100% लोगों को बताओ, 1% की समझ में आएगा, क्योंकि 99% आर फूल्स, उनकी समझ में नहीं आया। 1% व्यक्ति की समझ में आता है। भगवान ने कहा मनुष्य नाम सहस्त्रेशु, हजारों हजारों में से कोई एक
अर्जुन मेरी ओर बढ़ता है। गीता सबके घर में है भारतीय, लेकिन कितने लोग हैं जो गीता पढ़कर उस पर अमल करते हैं? नॉट रीडिंग स्क्रिप्चर्स, नॉट रीडिंग शास्त्रस, नॉट वर्किंग, नॉट मूविंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, और सोच रहे हैं हम तो अच्छा कर रहे हैं, शादी करी है हमने, बच्चों का स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान एतत पशु भी नारायण, पशु के समान ही है। जो व्यक्ति खाने के लिए और बच्चों के लिए जीवन जी रहा है वह पशु से भिन्न नहीं है। आप एक छोटे से सड़क पर रहने वाले किसी कुत्ते का जो पिल्ला होता है ना, उसको भी छुएंगे तो वह पशु भी आक्रमण करके अपने बच्चे को बचा लेगा, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया हम? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषाम, जब तक आप धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं तब तक आप पशु से भिन्न नहीं है, आप पशु समान है। कुछ समय पहले एक एड आया था टेलीविजन में, उसमें लोग दिखाते थे किसी के सींग निकले हुए, किसी का ऊंट का मुख है, चल रहे ऑफिस के अंदर, क्रुएलिटी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बस कैसे भी करके मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, संसार में झूठ बोल रहे हैं। वो ये नहीं जान रहे हैं हर कर्तव्य का पाप तुमको मिलेगा, तुम्हारे परिवार को नहीं मिलेगा, तुमको उसका भोग भोगना पड़ता है। जो झूठ छल करते हैं उनको भोगना पड़ता है, ये जान नहीं रहे होते लोग, और करते रहते चीटिंग करते रहते हैं, कहते हैं आफ्टर ऑल आई एम डूइंग इट फॉर माय फैमिली, और फैमिली विल नॉट गेट द रिएक्शंस, यू विल गेट द रिएक्शंस। चाहे आप मृगरारी के प्रसंग में देख लो, या आप उंगली माल के प्रसंग में देखो, या डाकू रत्नाकर के प्रसंग में देखो, जब जब नारद जी ने उनको कहा हे तुम अपने परिवार के पाप के भागीदार हो, उन्होंने उनके परिवार ने कहा हम भागीदार नहीं है, पाप तुम करते हो तो पाप के भागीदार केवल तुम ही हो। तुम धन अगर पुण्य से कमाओगे तो पुण्य से हम रह लेंगे, तुम छल कपट से कमाते हो तो हम तुम्हारे ऊपर निर्भर है लेकिन तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं। इसलिए व्यक्ति को आत्म साक्षात के प्रति प्रयत्नशील होना चाहिए। यतंतो योगिनश्चेन पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम्, उसको आत्मा को देखने के लिए अपने जीवन को लगाना चाहिए। जीवन का मकसद क्या होना चाहिए हर व्यक्ति का? जिसने मनुष्य शरीर पाया है और वो मानता है कि मैं पशु नहीं हूं, तो उसके जीवन का क्या मकसद होना चाहिए? कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, हूं आई, पूरा जीवन निकाल देते हैं, पूछो हु आर यू, नाम बताते आई एम दिस, आई एम वर्किंग देयर, आई एम दिस 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 दैट, हु आर यू, जानते नहीं है। आत्म साक्षात्कार का जीवन है ना, इतनी राम कथा सुनते, इतनी रामलीला देखते, इतने दशहरे में रावण को फोड़ते हैं, फिर भी नहीं जानते गलत करने वाले का क्या होता है। और लोग तो रावण की लकड़ी उठा लेते, कह रहे बड़ा ज्ञाता था, ब्राह्मण था, क्या उसका ब्राह्मण उसका संस्कृत का ज्ञान फल दिया जिसको भगवान के हाथ से मरना पड़ा? केवल और केवल किस कारण से? क्योंकि उसने भगवान के नियमों का उल्लंघन किया। भगवान ने शास्त्र दिए, गीता दी है, जिसमें नियम बताए, उन नियमों का उल्लंघन करके व्यक्ति को क्या मिलने वाला? शरणागति कर लेनी चाहिए। आजकल व्हाट्सएप जब चलता है यूनिवर्सिटी के अंदर, व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी है अपने आप में, बहुत विशाल यूनिवर्सिटी, उसमें बस इतना है कि उसके डीन का आज तक पता नहीं चला वो कौन है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कोई भी इंफॉर्मेशन आप फ्लो कर दो, अच्छी चीज हो सकता है फॉरवर्ड हो ना हो, लेकिन बुरी चीज फॉरवर्ड हो। मान लो मैं वीडियो भेजूं कि आज मैं आपको एक भगवद गीता का प्रवचन दे रहा हूं, आगे भेजिए 100 लोगों को, नहीं भेजेंगे। लेकिन कोई बोले प्रशांत मुकुंद दास जो थे वह रोड पर चोरी करते पकड़े गए, तो वो व्यक्ति जिसको आपने कहा था फॉरवर्ड करो वो आपका भक्ति होगा, लेकिन वो उसने वो फॉरवर्ड ना किया हो लेकिन ये जरूर फॉरवर्ड करेगा, और 100 लोगों को फोन करके बोलेगा तुमको मालूम पड़ा, तुमको मालूम पड़ा, तुमको मालूम पड़ा, ऑल इंडिया फैम, है ना, हाँ ऑल इंडिया नहीं, इंटरनेशनल, इंटरलोक, सब जगह फैला देंगे, है ना, क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसमें आजकल चलता है कि राम से बड़े रावण अच्छे हैं। राम ने तो अपने माँ बाप का त्याग कर दिया, राम ने तो अपनी पत्नी को दुख दिया, रावण ने देखो अपनी बहन के लिए देखो कितना तूफान मचा दिया, भाई हो तो ऐसा, रक्षाबंधन पे हम तो रावण का स्मरण करेंगे राम का नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे खूब फैल रहा है, और जितने भी यूनिवर्सिटी में बच्चे हैं आज के सब रावण को ही अपना आराध्य मानते हैं, अपने अपने फेसबुक के प्रोफाइल में रावण लगा रखा है और कह रहे ही इज अवर हीरो, जिसने अपनी बहन के लिए अपना सब कुछ नाश कर, देखिए उसका अटैचमेंट कितना अच्छा है। यहां बात हो रही है अटैचमेंट कैसे काटा जाए, वो कह रहे कि अटैचमेंट अच्छा है। तो सोचो आपकी जनरेशन जी जो है ना, पहले हमारी थी जनरेशन एक्स, एक्स थी जब हम थे तब जनरेशन एक्स थी, तो पुराने जमाने के अगर आप 1980 के दशक के सीरियल देखें तो जेनेक्स कहलाती थी, फिर आई
जेन वाई, जिसको जेन मिलेनियम कहने लगे, जनरेशन मिलेनियल्स। तो मिलेनियल्स जो थे जेन वाई थी, जनरेशन वाई, उसको जेन वाई ना कहकर मिलेनियल्स कहा गया। तो जेन एक्स आई, फिर जेन वाई आई, अभी जेन जेड जो है एक्स वाई जेड, जेन जी कहलाती है, जेन जी, जनरेशन जेड, ये जो बैठे हैं बच्चे ये सब जेन जी हैं। हाँ, ये माँ की गर्भ में भी व्हाट्सएप का पासवर्ड जानते थे, हाउ टू डाउनलोड। हाँ ठीक ठीक है, मान ले तुम उससे जेन वाई वाले हो, हम भगवान के तो जेन जी जो चल रही है, अब जेन जी के बाद क्या होगा? हाँ, अल्फा आ रहा है, फिर जनरेशन अल्फा है, अल्फा बीटा गामा, उसके बाद क्या होगा? फिर घूम करके जैन ए पर आना पड़ेगा, फिर जैन ए पर आना पड़ेगा वापस घूम करके। एक बार एक साधु था, वो बैठा था ऋषि, और सामने से एक चूहा आया, कहता है महाराज महाराज महाराज। वो ऋषि ने आंख खोली, बोले क्या हुआ? बोले मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, बिल्ली मेरे पीछे पड़ी मुझे खा लेगी, मेरी रक्षा करिए, मुझे बचा लीजिए महाराज। कहा तो बार बार चिल्लाएगा, इससे बेटर है कि इसको बिल्ली बना देता हूँ, बिल्ली बिल्ली में खेलेगा मस्त रहेगा। तो उन्होंने कहा विड़ाल भव, जाओ बिल्ली बन जाओ विड़ाल भव। तो वो बिल्ली बन गया और बिल्ली बनकर बिल्लियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी देर महाराज 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 मेरी रक्षा करिए, महाराज मेरी रक्षा करिए, मेरे पीछे कुत्ते पड़े हुए। कहा कुत्ते मुझे खा रहे। महाराज बोले अच्छा जाओ तुम्हारे को मैं कुत्ता बना देता हूँ, कुकुर भवा एवं अस्तु, कुकुर बन गया। थोड़ी देर बाद कुत्तों के साथ खेलते खेलते आया, महाराज महाराज मेरी रक्षा करिए, क्या हुआ? पीछे शेर पड़ा हुआ है, शेर मुझे खा जाएगा महाराज। खा, अरे एक ही भक्त है मेरा परमानेंट, बार बार यही आ रहा है, इसको शेर बना देते। तो उन्होंने कहा सिंह भवा, शेर बन जा, सिंह बन गया। तो सिंह बनकर के बड़ा खुश हुआ, नाचा कूदा इधर उधर घूमा। थोड़ी देर कहता मुझे भूख लगी है महाराज, तुमको खाऊंगा। महाराज बोले मेरे ने तुमको शेर बनाया तो मुझे ही खाओगे, एक कैसा कलयुग चढ़ाए। बोले हाँ हमारे यहाँ ऐसे ही है, शिष्य गुरु जी को खाते हैं, हाँ शिष्य ही गुरु जी की निंदा करते हैं, आओ आओ तुम्हें खाएंगे। तो खाने लगे शेर, जब दौड़ा तो उन्होंने कहा मैं ही तो तुझे बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा जल लिया, उन्होंने कहा पुनर्मुषिका भवा, फिर से क्या बन जाओ? मुषिका चूहा बन जाओ, फिर वापस चूहा। तो जैन एक्स आई, जैन वाई आया, जैन जेड आया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर जैन ए आएगा दोबारा से, पुनर्मुषिका भवा। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे यह समय दौर फिर घूमेगा, हिस्ट्री रिपीट्स, है ना। 100 वर्ष पहले जैसा जीवन जीते थे लोग वैसा ही जिएंगे तो सांस मिलेगी, वरना ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। आजकल ऑक्सीजन के चैम्बर्स बन गए, एयरपोर्ट पर जाओ तो ऑक्सीजन कैफे बने हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन कैफे मुझे दिखा, वहां पर कुछ पैसा दो तो आप 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन को सूंघ सकते हो। तो उसमें आपको एक चैम्बर में सोफे पे लिटा देते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, और कुछ डॉलर दो या कुछ रुपए दो तो आप ऑक्सीजन को ले सकते हो। लाइक कॉफी कैफे डे, ऐसे ऑक्सीजन कैफे ऑन दी दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर है। सोच लीजिए जमाना कहां जा रहा है, आप तो सांस ले रहे हो लेकिन आपके बच्चे जिन्हें आपने पैदा किया है इन्हें सांस लेने को नहीं मिलेगा, इनको नहीं। पानी का पॉल्यूशन आप जानते हो क्या हाल हो चुका है ना। नालों के पानी घरों में आ रहे हैं, आरओ जो है उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि हम इनको प्योर नहीं कर सकते। हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं लेकिन जब बूंद बूंद में गंदा हो तो हम कहां तक साफ करें। माता जी ने बताया, बोले इनके घर में नाले का पानी आ रहा है, ये लोग घर में नहाते किससे? बिस्लेरी पानी से। इनके घर में नहा भी नहीं सकते दिल्ली के अंदर। कहते कौन सी सिटी में रहते हैं? बोले दिल्ली में रहते हैं, सेंट्रल कैपिटल ऑफ भारत है। और कहाँ रहते हैं? उसमें भी जनकपुरी में रहते हैं, उसमें भी पॉश मार्केट में रहते हैं। तो ये तो अभी कुछ नहीं, कलयुग की संध्या चल रही है। 15,000 साल की, 5,000 साल निकले, 10,000 साल बाकी है, उसके बाद कलयुग प्रारंभ होगा। अभी तो कलयुग शुरू नहीं हुआ है, अभी तुम हरे कृष्णा तो जप नहीं रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं शायद व्रत पूजा करके निकल जाऊंगा इस संसार से। कभी नहीं निकलोगे, भगवान ने पहले ही बोल दिया, गीता उठा लो, सबके घरों में पड़ी हुई है, एक बार पढ़ लो उठा करके। मैंने जब 2002 में पढ़ी थी तब समझ में आ गया था गलती कर दी इधर उधर जा करके। टाइम बहुत कम बचा है, यह जीवन कागज की पुड़िया, फूक लगे उड़ जाएगी, है ना। कभी उड़ जाएगा मालूम नहीं, इसको पढ़ो, इसके एक एक श्लोक को आत्मसात करो। जीवन अनित्य है, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं सब कुछ जान रहा हूं, मैं सब शरीरों के अंदर पाचन शक्ति हूं। कौन हूं?
सोचो जो आप खाना खा रहे हो छोले भटूरे बिना भगवान को भोग लगाए और डाइजेस्ट भी हो रहा है तो क्या किसकी कृपा से हो रहा है? देखो भगवान ने कितनी कृपा करी हुई है, अगर आपको कभी कुपच हो जाती है, बिन डाइजेशन होता है, समझ लो भगवान रुष्ट बैठे हुए। तभी तो लिखा, देखो भगवान ने क्या लिखा है, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैष्णवार हूं, अहम वैष्णवनारो भूत्वा, मैं पाचन अग्नि क्या हूं। भगवान कहते हैं कि अरे तुम इसकी बात करते हो, जितने भी ये सूर्य चंद्रमा इनके अंदर जितने भी वेजिटेशन, जो तुम सब्जियां खा रहे हो ना, टमाटर में जो रस है वो मेरी कृपा से, क्योंकि सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। तो सूरज जब आंख खोलते हैं भगवान एक तो उससे पौधों पर गिरता है सनलाइट, और फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, साइंटिस्ट कहते हैं। और फिर रात को जब आंख खोलते चंद्रमा वाली तो टमाटर के अंदर रस जो आता है वो रात्रि काल में आता है। तो भगवान अपनी आंखों को ऐसे ऐसे ना करें तो फिर हमारा खेत खलियान में रस, खीरे में रस, टमाटर में रस, मूली में रस। एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, प्रभु जी मुर्गे में कौन सा रस भगवान भरते हैं? और मुर्गा खाता था ना वो नॉन वेजिटेरियन, बोला मुर्गे में कौन रस भरता है? मैंने कहा उसमें कोई भरता नहीं, तुम्हारे जैसे निकालते हैं उसका रस। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं श्वास प्रयास में चार प्रकार की अन्नों को पचाने वाला हूं, मैं प्राण वायु भी हूं। चार प्रकार के अन्न को पचाने वाला हूं, कौन कौन से अन्न पचाते हैं यह भी गीता में लिखा है, यानी इससे बड़ा साइंस मिलेगा? मैं खुद साइंस पढ़ के आया हूं लंदन से, इससे ज्यादा साइंस पढ़ा होगा? उसको पढ़ने के बाद जब ये पढ़ा समझ में आया, वो तो फालतू पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन यूजलेस थे। उसको पढ़ करके क्या कर लिया हमने, चार दवाइयां बना दी, उससे क्या हुआ, बचा लिया किसी को? आज तक एक आदमी की मृत्यु से बचा नहीं पाए, इतनी दवाइयां बन रही हर साल, इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बचा के दिखाओ मृत्यु से कौन जीत जाएगा। चार प्रकार के अन्नों को पचाने की शक्ति भी ठाकुर जी दे रहे हैं। कौन सी दे रहे हैं? पीने वाले पदार्थ, पेय पदार्थ, भोज्य जो पदार्थ, चबाने वाले पदार्थ हैं वो, जो चाटे जाने वाले पदार्थ हैं यानी लेप्य, और जो चूसने वाले पदार्थ हैं यानी चोष्य, ये सारे के सारे पदार्थ, चार प्रकार के पदार्थों को भगवान ही पचाने वाले हैं, भगवान ही रस देते हैं और भगवान ही पचाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं दो प्रकार के लोग हैं, द्विवम पुरुषो लोका शर अक्षरम एवचा शरम सर्वाणि भूतानि कूटोस्तर उच्चते। इस संसार में एक लोग हैं जो मर जाएंगे, एक हैं जो बच जाएंगे। जो बचेंगे कौन? जो कृष्ण शरण में आएंगे, केवल और केवल वही बचने वाले हैं, दूसरे बचने वाले नहीं है। भगवान ने बोल दिया तुम कुछ भी व्रत पूजा कर लो, अग्नि जला लो, यज्ञ कर लो, जब तक तुम कृष्ण शरणागति नहीं करोगे, शरम अक्षरम एवचा, तुम बचने वाले नहीं। दो प्रकार के लोग हैं, एक च्युत हो जाएंगे, एक अच्युत हो जाएंगे। जो च्युत हैं वो संसारी जीव हैं, अच्युत हैं जो आत्म साक्षात्कार करके भगवत धाम को जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, उसके बताए गए रास्ते का पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं आगे, जो कोई भी मुझे, ये असली संदेश भगवान ने दिया, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, कैसे? हाँ, विदाउट एनी, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर के डाउट नहीं करेगा। अभी जो लोग शिव उपासक होते हैं, कुछ गणपति उपासक होते हैं, कुछ देवी उपासक होते हैं, कुछ सूर्य उपासक होते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने सभी उपासकों का क्रम में वर्णन किया कि कुछ सौर धर्मी होते हैं यानी सूर्य उपासक होते हैं, करोड़ों जन्मों में सूर्य उपासना करने के बाद फिर अगले जन्म में वह गणपत्य धर्म का पालन करते हैं, गणपति उपासक बनते हैं, फिर गणपति की पूजा करते हैं। करोड़ों जन्मों में गणपति धर्म का पालन करने के बाद फिर वो शाक्त धर्म का पालन करते हैं, शक्ति के उपासक होते हैं, पंडाल बनाएंगे, दुर्गा पूजा करेंगे, उसमें भी नॉनवेज खा लेते हैं, है ना। प्रभु जी तो बंगाली हैं, दुर्गा पूजा खूब किए हैं, और बताते हैं वहां पर कॉम्पिटिशन होता है कि कौन अच्छा मांस बना के लाएगा। तो सोचो वहां पर भी वध कर रहे हैं, एक बेजुबान जानवर को मार के वह पूजा करे, कौन सी पूजा है? कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है पूजा करने के लिए? केवल और केवल अपने जिह्वा स्वाद को, भोग को भगवान का नाम लगा करके, क्योंकि माँ ने जो है वो मारा था राक्षसों को, तो ये सोचते हम भी राक्षस को मारे। अरे किस पशु ने आपका क्या बिगाड़ा है?
उसने तो मधु केटव जो राक्षस का वध कर दिया, या फिर हम महिषासुर का वध कर दिया, उन्होंने तो राक्षसों का वध किया देवी ने, वो भी कृष्ण के कहने पर, असुरों की सेवा करवाई, कर मारो इनको तब तुम्हारी यही सेवा है, क्योंकि तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, सिक्योरिटी गार्ड अगर गोली चलाए तो मालिक ने उसको वहां रखा है, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर को मारने वाली। तो माता क्या करे बेचारी, लोग श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत में वर्णन है कि जितनी भी मूर्तियों को जब मांस का सेवन कराया जाता है शाक्त धर्मियों के द्वारा, तो केवल और केवल भूत प्रेत उसको भोजन करते हैं, उन मूर्तियों के अंदर भूत प्रेत प्रवेश करते हैं और मांस का सेवन करते हैं। किसी शास्त्र में, कुरान के अंदर भी नहीं लिखा मांस खाने के लिए, बाइबल में भी नहीं लिखा मांस खाने के लिए। चाहे किसी पादरी को ले आओ मेरे सामने, चाहे किसी मौलवी को ले आओ, मैं कई बार मल्टी रिलीजन सोसाइटीज में प्रवचन देता हूँ, कुछ बोल नहीं पाते, मेरे काट थोड़ी सकते हैं, अपने अपने केवल स्वाद के लिए उन्होंने अपने नियमों को बना लिया है, और हिंदू धर्म वाले उन्हीं का पालन करते, अरे उसमें वो खाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो शाक्त धर्मी हो जाते हैं, शाक्त धर्मी बनने के बाद में अगले जन्म में करोड़ों जन्मों के बाद शैव धर्मी बनते हैं, शिव के उपासक बनते हैं। जब करोड़ों जन्मों में शिव की उपासना कर लेते हैं तो फिर शिव जी कहते हैं, सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। किस कौन कहते हैं? शिव जी। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना, जी हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, आपका अनुभव है, हमने माना महाराज, लेकिन क्या भगवान शिव के अनुभव से बड़ा अनुभव है आपका? शिव क्या कह रहे हैं? सुनो उमा ये अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपने जैसा है, अगर संसार में सच्चाई है तो केवल क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। पद्म पुराण में शिव जी कह रहे हैं कि आराधा, जितनी भी आराधनाएं हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम। पद्म पुराण शिवजी पार्वती संवाद, पार्वती को शिव कह रहे हैं, हे पार्वती सती नहीं समझी राम की शरणागति, तुम तो समझ जाओ कि संसार में अगर आराधना सबसे बड़ी है तो किसकी है? विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना, और उनसे भी बढ़कर के तदिया नाम समर्चनम, उनके नाम की आराधना। ये बात सुनने के बाद भी व्यक्ति सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान के नाम को जपने में उनके जिह्वा में बड़ा कष्ट होता है। जिनकी किस्मत फूटी होती है वही व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकते, अन्यथा जिसकी किस्मत खुल गई होती है वह व्यक्ति भगवत नाम लेता है। जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे, राम के नाम ने तो पत्थर, राम जी के नाम ने तो पत्थरों को तरा दिया, तो क्या तुम्हारे को इस संसार से पार नहीं लगा सकता? लेकिन व्यक्ति सब कुछ करेगा, नाम जप नहीं करेगा। नाम की बड़ी कृपा है, नाम ही मात्र एक औषधि है जो पाप को भी भंग करती है और पुण्यों को भी भंग करके इस संसार से मुक्त करके भगवत धाम पहुंचा सकती है। तो भगवान ने आगे कहा, ये सब श्लोक रह गया, प्रभु जी कह रहे एक, सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्ट मत स्मृति ज्ञान बपोहनम च वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विचयवहम। वो कह रहे हैं सब कुछ जानने वाला मैं हूं, तुम जितना स्मरण कर पा रहे हो वो मेरे कारण है, जो भूल रहे हो यह भी मेरे कारण है। यानी कृष्ण चाहें तो तुम्हें स्मरण कराएंगे, कृष्ण चाहें तो तुम्हें विस्मरण कराएंगे। तो कृष्ण क्यों न चाहते कि हमें विस्मरण हो जाए? क्यों नहीं कृष्ण चाहते कि हमेशा याद रहे हमको कि हम उनके भक्त हैं? क्यों नहीं चाहते ऐसा? जब कृष्ण ही उसके सर्वे सर्वा हैं तो कृष्ण ऐसा क्यों नहीं करते कि हमको स्मरण कराएं कि हम भक्त हैं? संसार में इतने लोग इधर उधर भटक रहे हैं, सबको स्मरण क्यों नहीं कराते? क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं यह भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग। किसी के मस्तक पर बंदूक रख के नहीं कहा जा सकता, ए गोली मार दूंगा चल जप कर।
तो प्रेम के कारण, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, यह प्रेम की बात है। इस रास्ते पर केवल वही आते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनके हृदय में अभी भी इच्छाओं का, काम वासनाओं का, क्रोध का अभी भी डेरा है, वह व्यक्ति कभी कृष्ण का भजन करने नहीं आएगा। यह तो प्रेम की बात है उद्धव, यह प्रेम का मार्ग है। जो जो प्रेम से आएंगे, कोई स्त्री पुरुष को प्रेम करती है, कहती मुझसे शादी कर वरना तेरे घर पे बम मारकर तेरे माँ बाप को उड़ा डालूंगा, तो शादी कर तो लेगा लेकिन कभी प्रेम होगा उनके आपस में? तो यही है, कृष्ण से प्रेम करना है तो इसीलिए भगवान ने आजादी दी, जाओ अपनी इच्छा से, जब आओगे करोड़ों जन्म बाद आओ, हजारों जन्म बाद आओ, जब आओगे तभी आना, मैं जबरदस्ती लेकर तुमको नहीं जाऊं, जबकि मैं ही विस्मृति का कारण भी हूं, लेकिन क्योंकि तुम नहीं चाह रहे हो इसलिए अभी तक विस्मृति बनी, जिस दिन तुम चाहोगे मैं तुम्हें स्मृति में आ जाऊं। तो आप चाहो, आप प्रॉब्लम कहां है? चाहने में। आपने कभी पहचाया ही नहीं कि हम भी इस संसार से निकले हैं, क्योंकि आपको संसार में रहने की आदत पड़ गई है। जैसे सुअर को कीचड़ में रहने की आदत पड़ जाती है, उसको बोलो चलो कीचड़ से, करे नहीं, हम खुश हैं, 10-12 बच्चे हम कीचड़ में रहते हैं। जब तक यही नहीं समझ में आ गया संसार दुखों का घर है, यहां रहना ही नहीं है, तब तक कैसे, जब आप की इच्छा ही नहीं है कैसे जाओ? जब गणपति भट्ट की लीला आती है भागवत में, पुराणों में, तो क्या कहते हैं गणपति भट्ट जो थे, उन्होंने पुराणों में पढ़ा कि भगवान जो है उनका मस्तक बहुत बड़ा है, हाथी जैसा विशाल है। जब पुरी धाम को आए तो देखा कि 4 ब्राह्मण बाहर आ रहे हैं, और उन्होंने पढ़ा था कि पुरी धाम से कोई वापस नहीं आता, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम, मेरा धाम ऐसा है जहां आने के बाद वापस, लेकिन ये 4 तो खाजा लेके बाहर आ रहे और फोन भी कर रहे हैं, आपके लिए कितना ले आऊं? पति पत्नी को कह रहा है मैंने ले ली 4 टोकरी, 2 पड़ोसी की, 2 माँ बाप की, 1 ससुर की, 1 सास की, तो ये बाहर कैसे आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये भगवान का धाम नहीं हो सकता, जगन्नाथपुरी कोई धाम नहीं है, वो वापस चल दिए। जब पंडों को देख करके वो वापस चल दिए, तो भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप लेके और कहा ज्याकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना है। इनकी भावना क्या है? ये घूमने के लिए आए धाम में, भी समुद्र में नहा लिए, फोटो खींच ली, परिवार को जाके बताएंगे हमने 4 धाम कर लिए जी, हम मुक्त होने वाले हैं, लेकिन आंसर है नहीं होने वाले। आंसर ये है, धाम में घूमने से कभी आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ है। धाम में छिपकली भी घूमती है, एक पशु भी घूमता है, क्या मुक्त हो गया? मंदिरों की दीवारों पर छिपकली रहती है, भगवत गीता और भागवत पे चींटी और मक्खियां चढ़ती हैं, क्या मुक्त होती है? घूमने से कोई मुक्त होता तो सारी संसार मुक्त हो जाता, टूरिज्म की लाइन लगी हुई है घूमने वालों की, 4 धाम यात्रा चल रही, गंगोत्री जमुनोत्री कितनी भीड़ जा रही है, सभी मुक्त हो जाएंगे जाने से? सब जाने से मुक्त नहीं होते, मुक्ति का मार्ग एक भी है, मुक्ति दाता एक मुकुंदा, या तो मुकुंदम परिहत्त गर्तम, जब तक मुकुंद के शरण में नहीं जाएंगे मुक्ति होने वाली, आपको थोड़े पुण्य मिलेंगे, थोड़ा अच्छा शरीर मिल जाएगा, थोड़े सुख मिल जाएंगे, लेकिन मुक्ति होने वाली, इसी संसार के कष्टों में पुनः पुनः आवृत्ति होती ही रहेगी, होती ही रहेगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जटरी जटरेश, बार बार मां की कर्म में, और मां की गर्भ में सोच रहे हो कहीं मनुष्य की गर्भ में आ रहा होगा, पशु की गर्भ में, कंगारू के पेट में भी आना पड़ सकता है। हाँ यस, तो प्रकार प्रकार की योनियां हैं, नाना भांति के योनियां भगवान ने बनाई 84 लाख प्रकार की, फिर भी मनुष्य इसको नहीं समझ रहा है। मनुष्य का जन्म कितने जन्म बाद मिलता है मालूम है? तो एक आचार्य बताते हैं जितनी समुद्र के किनारे रेत के कण होते हैं उन सारे कणों को काउंट करो और उसमें से एक कण उठाओ यह मनुष्य शरीर है। रेत के किनारे जितने समुद्र के किनारे रेत है और रेत में जितने कण हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर से एक कण उठाओ और जितने रेत वहां है उसमें से एक उठाया वह मनुष्य शरीर है। ओनली वन चांस अमंग मल्टी चांसेस ऑफ बिकमिंग अ ह्यूमन, उसको भी मिस कर देते हैं। इसने आसानी से पूजा पाठ करके पंडित जी से पूछा था, पड़ोसी से पूछा था, हमने चाचा से पूछा था, अफ्रीका वाले चाचा से पूछा था, चाइना वाली मौसी से पूछा था। अरे पूछ करके मत चलाओ, स्कूल कैसे भेजते हो बच्चों को, किताब पढ़ाते हो ना, स्कूल में एडमिशन बाद में होता है, प्रेप में पहले स्कूल की ABCD की किताब आती है, तो फिर गीता भागवत क्यों नहीं उठाकर पढ़ते हो, पुराण उठाकर क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों आप सुनी सुनाई बातों पर चलते हो, बच्चों को सुनी सुनाई बातों पर पढ़ाते हो? बेटा मौसी कहती थी 2 और 2 5 होते, बस 5 ही होते हैं, स्कूल की मैडम तो गलत बताती है, 2 और 2 4 होते, नहीं पढ़ना बेटा नहीं पढ़ना, मौसी ने जो बोला वही, मौसी भी अंगूठा टेकती तो तू भी अंगूठा टेक बन, बाबा भी अंगूठा टेकते तो तू भी अंगूठा टेक बन, ऐसा होता है।
अगर बाबा शिव जी पे जल चढ़ाते थे तो तुम क्यों चढ़ा रहे हो? उसका कारण तो जानो, क्या कारण है, क्यों चढ़ा रहे हो, क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या तुम्हारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, मनुष्य शरीर पाकर के बुद्धि नहीं है, विचारशील नहीं हो, क्यों अपनी मन मर्जी की चीजें कर रहे हो? अभी भी मिस कर दिया तो कब जाओगे? ये भगवान कह रहे हैं। 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं वह सब कुछ जानने, सब कुछ का मतलब समझ रहे हो, कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ है। इसमें मैथमेटिक्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, इसमें सब कुछ आ जाता है। यो माम एवं असमूढ़ जानती पुरुषम उत्तमम सा सर्ववित भजंती, वह सब कुछ, सर्ववित का मतलब है एवरीथिंग। हे परतपुत्र, यह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति में रत होगा तभी ऐसा हो सकता है। और अंत में कहते हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उत्तम माया अनघ का मतलब है हे पाप रहित, अनघ मतलब पाप होता है, पाप रहित, अघ मतलब पाप, अनघ मतलब पाप रहित। माया अनघ यानी कि माया को तुमने जीत लिया है, मेरे द्वारा जो तुम माया बनाई गई है पाप रहित, तुम्हारे कोई माया नहीं पकड़ सकती है। इस प्रकार ये सर्वाधिक गुप्त ज्ञान जो शास्त्रों में मैंने प्रकट किया है वह मैंने तुमको बताया। एतत् बुद्धिमान सायत कृत कृत्यश्च भारतः, वह बुद्धिमान हो जाएगा जो इस शास्त्र को पढ़ेगा और उसको जानने का प्रयास करेगा। तो इसलिए हमें इस शास्त्र को पढ़ना चाहिए, भगवद गीता को, और पूर्ण हो जाना चाहिए। सो डिवोटीज आर सर्ववित, सर्ववित यानी सर्ववेता होते हैं, उनको सब मालूम होता है। इसीलिए भक्तों के पास कहीं भी ले जाओ, मेडिकल कॉलेज ले जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज ले जाओ, सारे लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। कैसे आ जाते हैं हमारे पास, कैसे हो जाता है? क्योंकि भागवत की नॉलेज, गीता की नॉलेज सर्ववेता बनाती रहती है ना। तो ये संसार में इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम कृष्ण भक्ति की ओर आए।